हेलो नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपीएससी के पुराने वर्षों के मेंस पेपर का डिस्कशन, और उसी के तहत वर्ष 2014 के GS4 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। GS4 यानी कि हम एथिक्स पे आज बात करने वाले हैं। एथिक्स में कुल मिला के 14 सवाल आपके सामने आते हैं। 14 में से शुरुआत के जो 8 सवाल होते हैं वो होते हैं थ्योरी बेस्ड, तो यानी कि उसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई डेफिनेशन, कोई एलिमेंट्स या फिर कोई डिफरेंशिएशन करना होता है। उसके बाद के जो 6 सवाल होते हैं वो सब होते हैं केस स्टडीज पे बेस्ड। इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी जाती है, उस सिचुएशन के आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को आपको उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ही जवाब देना है। हम लोग इस मॉड्यूल में ये दोनों ही पहलुओं को बहुत अच्छे से देखेंगे। और जो PDF की बात है दोस्तों, PDF हम अपनी इस चैनल पे आपके लिए अपलोड कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये एकदम फ्री है, तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। उससे आप हमारे सभी इनिशिएटिव्स का पार्ट बन पाएंगे, और साथ साथ अगर YouTube आपको कोई नोटिफिकेशन देने में पीछे रह जाता है तो यहाँ पे हम आपको एकदम टाइम से वो नोटिफिकेशन दे पाएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जहाँ पे हम UPSC और बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, मटेरियल देते हैं, गाइडेंस देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन की सुविधा भी प्राप्त होती है। तो अगर इस बारे में आपको कोई और चीज़ पूछनी हो तो ये दिए गए 2 नंबरों पर फ़ोन करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। उसके अलावा शुरू करता हूँ मैं बेसिक जो रिवीजन होता है उसके साथ, क्योंकि रिवीजन है आपकी नींव, और नींव को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना हो। तो देखिए, सबसे पहला तो है एथिक्स में आंसर राइटिंग। एथिक्स में जो वर्ड लिमिट होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि ज़्यादातर आपको 150 शब्द मिलेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, और हमारे अप्रोच के हिसाब से आपको 120 से 130 में अपने आंसर को ख़त्म करना है। तो भाई, आपके पास स्कोप बहुत कम है, तो इस कम स्कोप में बैकग्राउंड को ज़्यादा तवज्जो ना दें, बैकग्राउंड को बहुत कम लिखें। इनफैक्ट अगर आप स्किप भी करना चाहें तो बैकग्राउंड स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर देना है तो 1-2 लाइनों में मैक्सिमम आप इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद सीधे आप अपने स्टेटमेंट पे आ जाइए और यहाँ पे जो भी पूछा गया उसको बताइए। कुछ की टर्म्स की हमने बात की थी अपने पहले वाले GS3 2014 के डिस्कशन में, माफ़ कीजिए, GS4 2014 के डिस्कशन में, जो कि एथिक्स था। वहाँ से आप हमारे कुछ की टर्म्स देख सकते हैं, जैसे कि डियोंटोलॉजी, यूटिलिटेरियन, और इस तरीके के जो की टर्म्स हैं उसको आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई आज के ज़माने का टॉपिक ऐसा लगता हो जिसको आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर इंक्लूड करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एनवायरमेंटल एथिक्स की बात हो रही है, तो एनवायरमेंटल एथिक्स में क्या है, ये कहता है कि आप अपने एनवायरमेंट का, जो आपके आसपास पर्यावरण है, उसका संरक्षण करें, पहली बात। दूसरी बात, उसको स्वच्छ बना के रखें। तो इसके लिए सरकार की ढेरों स्कीम चल रही हैं, एक स्वच्छ भारत अभियान आप पकड़ लें, नमामि गंगे आप पकड़ लें, तो ये जो स्कीम्स हैं इसके तहत हम लोग क्या एनवायरमेंटल एथिक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में व्यवहारिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका था कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो आज के ज़माने में चल रहा है, आपने उसको अपने आंसर से जोड़ दिया और उसको एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अगर आप इस तरीके का कुछ कर पाएँ तो आप ज़रूर अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स लेंथ, यानी कि जो आपके आंसर में लंबाई है वो महत्व नहीं रखती, भले ही उसको 120-130 शब्दों में लिख दें, लेकिन उसके अंदर लिखी हुई चीज़ बहुत अच्छी, बहुत सटीक होनी चाहिए, जिसके आधार पर आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। फिर दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो आपके एथिक्स पेपर से संबंधित हैं। टोटल 14 सवाल आपके पास होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में जहाँ पे हम लोगों ने बात की दोस्तों, तो वहाँ पे आपके शुरुआत के 8 सवाल होते हैं, और ये 8 सवाल जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, मतलब आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी चेक की जाती है यहाँ पे। और बाद के जो 6 सवाल होते हैं वो होते हैं केस स्टडीज़ के ऊपर, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाती है, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या होगी, उस सब का जो टेस्ट है, उसकी जो परख है, वो यहाँ पे आपके से की जाती है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य हैं, हर एक सवाल का अंक जो है उसके सामने लिखा हुआ है, उसी मीडियम में आप आंसर करें जिसमें आपने चुना हो अपने लिए प्रवेश पत्र में। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन की शब्द सीमा आगे लिखी है, उसका उल्लंघन ना करें, उससे अडहेयर करें। और फाइनली, जो भी आपका पेज खाली छूट जाए या बच जाए उसमें ऐसे क्रॉस बना दें।
अगर आपने यहां तक अपना आंसर खत्म किया, नीचे का पेज खाली है, तो नीचे एक ऐसा डंडा मार दें। यही चीज हमने इंग्लिश में भी प्रोवाइड की है, जिससे आप आराम से यहां पे पढ़ पाएं। तो इसी सब के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, सेक्शन ए, जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से डील करता है, और उसके दो सवाल। भाई जो पहला सवाल है वो है हैप्पीनेस के बारे में, यानी सुख के बारे में। सवाल कह रहा है, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से क्या आप सहमत हैं कि सभी लोग सुख की आकांक्षा करते हैं? हाँ भाई, ये तो हमको दिखता है, सब लोग जो है अपने लिए अच्छे से अच्छी जिंदगी चाहते हैं, एक सुखी जिंदगी चाहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपको बताना यहाँ पे है कि आपके लिए सुख का क्या अर्थ है। लोगों के लिए सुख का अलग अलग अर्थ हो सकता है। जैसे कि कई लोगों के लिए आज के ज़माने में सुख का अर्थ होगा मटेरियल गेन, उनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, अच्छे से अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हों खर्च करने के लिए। और वहीं पे अगर किसी गरीब के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, तो उसके लिए सुख की प्राप्ति क्या होगी कि उसको सुबह शाम का भोजन मिल जाए अच्छे से, उसके बच्चे पढ़ लिख लें, उसके परिवार का अच्छे से विकास हो। तो लोगों के लिए सुख का अलग अलग अर्थ होता है उनकी कंडीशन को सोचते हुए। आपको यही चीज़ समझानी है कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण के थ्रू। और फिर हम लोग दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग कहता है, नैतिकता जो है वो एक मानव जीवन में किस चीज़ को बढ़ावा देती है, किस चीज़ को प्रमोट करती है। और इसमें आपको फिर उसके बाद बताना है लोक प्रशासन की नज़र से कि ये भाई लोक प्रशासन में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये क्यों है, आपको इस बारे में चर्चा करनी है। देखिए, इसका पहला भाग तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एथिक्स है वो क्या क्या करवाती है। वो आपको सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है। इसके अलावा वो आपको सही रास्ते पे चलने पे मजबूर करती है। आपकी अंतरात्मा को वो इतना मजबूत बनाती है कि जिससे अगर आप कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं तो वो आपको गवाही नहीं देती। ये सब होता है एथिक्स की वजह से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ज़रूरी है एथिक्स? क्योंकि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी है आपको डिसीजन लेना। तो आप इस तरीके के डिसीजन लें जिससे कि आप जनहित कर पाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर पाएं। यहाँ पे आप यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को लगा पाएं, यानी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर ऑल। इस गोले में जितने लोग हैं आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम इन लोगों की खुशी हो पाए। अगर एक दो लोग इस गोले से बाहर रह जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने फोकस किया है ज़्यादातर लोगों की खुशी पे। तो ये आपको इस तरीके के डिसीजन लेने को हेल्प करती है। एथिक्स जो है, नैतिकता आपके विकास को विकसित करती है, आपके विवेक को विकसित करती है। जो भी नियम कायदे और कानून है उसको सही तरीके से आप समझ पाएं और उसको उसी वे में इम्प्लीमेंट कर पाएं जिस वे में एक्चुअली उसका इंटेंशन था, ये सब आपको हेल्प करती है एथिक्स। तो अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने बताया हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। खुशी आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपके इमोशंस हैं, आपके अंदर चल रही भावनाएं हैं, जो कि बहुत खुश, हर्षोल्लास से भरी हुई और एक सकारात्मक एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ बिल्डअप कर देती है। तो भाई हैप्पीनेस से होता क्या है, इससे एक आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें सकारात्मक फीलिंग्स आती हैं, उसको अगर कोई डिप्रेशन हो, उसके ऊपर कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, तो उससे उसको छुटकारा मिलता है। और चौथी बात, अगर आप खुशी से सबसे मिलेंगे तो आपका सोसाइटी में इंटीग्रेशन भी बेहतर होगा, हर आदमी आपसे खुश होके ही मिलेगा। भाई ये जो सुख है, जो खुशी है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिया, तो उसमें उसने कहा तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, सबसे पहले लाइफ, फिर लिबर्टी, फिर आपका सुख। इन तीन चीज़ों के लिए हमको स्ट्राइव करना चाहिए और हमको इनको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि जब मैं सुख की बात करता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा धुंधला है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए सुख अलग अलग मतलब रख सकता है, अलग अलग मायने रख सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अमीर के लिए सुख क्या होगा, अच्छी से अच्छी गाड़ी, सामने वाले से अच्छे कपड़े पहने, सामने वाले से ज़्यादा पैसे कमाए। गरीब के लिए सुख का मतलब क्या होगा, उसको सुबह शाम की रोटी मिल जाए, उसके परिवार का विकास हो, बच्चे अच्छे से पढ़ें। तो ये सुख जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लिए होता है। अब मैं कब खुश होता हूँ, मेरे को कब सुख प्राप्त होता है, इसमें आप अपने खुद के विचार लिख सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जब आप सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं और उसमें कोई सकारात्मक न्यूज़ आप पढ़ लेते हैं तो आपको खुशी होती है। आप देखते हैं देश का विकास हो रहा है तो आपको खुशी होती है। आप जब दिन भर काम करके अपने घर आते हैं वापस समय से और अपने परिवार का चेहरा देखते हैं मुस्कुराता हुआ, तब आपको खुशी होती है। एक बच्चे के लिए जब वो अपना असाइनमेंट, अपना होमवर्क खत्म कर लेता है तब उसे खुशी होती है। लोगों के जीवन में जब उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है तब उन्हें खुशी होती है।
और जब आपकी सोच आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होने लगती है तब आपको खुशी होती है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे आप अपने खुद के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे एथिक्स, यानी कि नैतिकता आपके जीवन में किस चीज़ को प्रमोट करती है। तो देखिए, एथिक्स जो है ये क्या है, कुछ रूल्स कुछ प्रिंसिपल हैं, समझ लीजिए एक ऐसी चिट्ठी है जहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो आपके व्यवहार को हम एथिकल व्यवहार यानी कि नैतिक व्यवहार कहेंगे। हालांकि ऐसी कोई चिट्ठी है नहीं, लेकिन ये आपके मन में आपकी अंतरात्मा में है जो आपको गलत राह पे चलने में मना करती है। आपके जीवन में नैतिक मूल्यों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए किस तरीके से एथिक्स जो है वो आपके जीवन में अच्छे अच्छे विचारों को इनकलकेट करती है, उनको इम्बाइब करती है। सबसे पहले, अगर आप न्यायवादी हैं, आप ईमानदार हैं, आप नैतिक हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास रहेगा, आपको खुद पे गर्व होगा। जब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया गलत रास्ते पे चल रही है, फिर भी आप यहाँ पे खड़े हैं और सही रास्ते के इंतजार कर रहे हैं, तो उस समय आपके अंदर का जो आवाज आएगी वो आपको गर्व और प्राउड ये वाली फीलिंग्स देगी। जो भी व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों पे चलता है पूरा समाज उसको आदर देता है। इसीलिए एथिक्स जो है यानी कि नैतिकता जो है आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, समाज में आपके प्रति आदर भाव को बढ़ाता है, ये लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है, ये आप में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कराता है। जो लॉ है, लॉ का असल में मतलब क्या है, उसको असल में कैसे एनफोर्स किया जाए, ये आपको एथिक्स सिखाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितने आपके सामने लॉ आ रहे हैं आपको पता होगा, लेकिन असल में हो क्या रहा है, आज भी भारत में कई जगह पे वही पेट्रियार्कल माइंडसेट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। आज भी महिलाओं के खिलाफ जो है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एथिक्स हमारे ठीक नहीं है, नैतिक विचार ठीक नहीं है। तो लॉ आने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने विचार सही कर लें तो अपने आप ही इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। उसके अलावा नैतिकता आपको हेल्प करती है अच्छे अच्छे डिसीजन लेने में, और आपकी सोच को वो इच उस दिशा में ले जाती है जहां पे आप ज्यादातर लोगों का हित कर पाएं। अब देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करती है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है, आपको पॉलिसी तैयार करनी पड़ती है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास एथिक्स नहीं होगी, अगर आपके पास आपके नैतिक सिद्धांत नहीं होंगे, तो आप महज एक मशीन रह जाएंगे जिसमें कोई इमोशन कोई भावनाएं नहीं है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, जो दूसरे की चीज़ों को फील नहीं कर सकते, उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते, और फिर आप एक सटीक और सही पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा संविधान भी प्रमोट करता है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा सामाजिक न्याय। ये दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए आपके अंदर नैतिक सिद्धांत का होना बहुत ज़रूरी है। नैतिक सिद्धांत आप में जनरेट कराते हैं एम्पैथी और कंपैशन, जिसके तहत आपके सामने अगर कोई गरीब व्यक्ति आए, कोई पीड़ित व्यक्ति आए, तो उसके अंदर चल रही भावनाएं, उसके दर्द को आप महसूस कर पाएंगे, और उसके लिए आप सबसे बेहतर पॉलिसी का इजाद कर पाएंगे। नैतिक सिद्धांत और भी जगह पे आपकी मदद करते हैं, वो हेल्प करते हैं जिससे आप ईमानदार बने रहें, आप सत्यनिष्ठ बने रहें, आप पारदर्शिता के साथ काम करें, और आपकी जवाबदेही वो बढ़ाते हैं एज अ पब्लिक ऑफिशियल। जो करप्ट टेंडेंसी है उसको ये कम करते हैं। क्यों? अगर मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही कुछ पैसे लेने पे, कुछ घूसखोरी पे, तो मैं वो नहीं करूँगा, मैं सीधे रास्ते पे चलते रहूँगा। तो अगर मैंने शुरुआत की जहाँ पे मैं कुछ घूस नहीं ले रहा, मुझको देख के हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंस हों, तो ऐसे ज़रा ज़रा सी छोटे छोटे इनिशिएटिव से ही कोई बड़ा बदलाव आता है। तो आप शुरुआत में अपने अंदर थोड़ा चेंज लाएं जिसके तहत लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो पाएं, और ये जो आप चेंज लाने में सक्षम हो पाए हैं, ये हो पाए हैं क्योंकि आपके अंदर आपके नैतिक सिद्धांत हैं। तो एथिक्स आपको यहाँ पे भी हेल्प करता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो जो पहला सवाल है इसका ये कह रहा है कि रक्षा सेवाओं के अनुसार उनके संदर्भ में देशभक्ति क्या मायने रखती है। देशभक्ति एक सैनिक के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और वो सैनिक अपने जीवन का भी त्याग कर देता है अपने देश की सुरक्षा के लिए। सवाल कह रहा है कि अगर हम ये चीज़ असैनिक जीवन में माने, सिविल लाइफ में माने, तो वहाँ पे देशभक्ति का क्या तात्पर्य है। हर एक व्यक्ति के लिए देशभक्ति का क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पे देने हैं उदाहरण जिससे आप इस बात को स्पष्ट कर पाएं, और जो भी पक्ष आप लें उसके लिए तर्क प्रदान करें। और जो दूसरी बात है यहाँ पे,
आपके लोक जीवन में सत्यनिष्ठा यानी कि प्रोबिटी क्या मायने रखती है? उसके अलावा दूसरी इसमें ये बात है कि आज आधुनिक काल में इस सत्यनिष्ठा को कोई व्यक्ति परस्यू कर पाए उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों पे किस प्रकार विजय प्राप्त करी जा सकती है। तो ये तीन भाग हैं इस सवाल के। पहली बात है सत्यनिष्ठा का क्या मतलब है, दूसरी बात है आज के समय में क्यों दिक्कतें आ रही हैं इसको अपने अंदर उतारने में, इसका पालन करने में, और तीसरी बात है ये जो दिक्कतें आ रही हैं इनको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति क्या है। अगर हम बात करते हैं रक्षा सेवाओं के बारे में, तो वहां पे तो एक व्यक्ति, एक सैनिक अपने देश से इतना प्यार करता है अपनी जीवन भी उसके लिए न्योछावर कर देता है। लेकिन अगर आप असैनिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे देशभक्ति एक ज़्यादा ब्रॉड टर्म लेके चलती है। देखिए अगर आपके अंदर अपने देश के प्रति भावना होगी, उसके प्रति प्यार होगा, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपके देश का नुकसान हो। आप करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे जो आपके देश के हित में ना हो। आप ये करेंगे जिससे आपका देश का विकास हो, और देश का विकास कब संभव है दोस्तों, जब हर एक वर्ग आपके देश का विकास करे, तब पूरे देश का विकास हो पाएगा। तो आप जनहित में पॉलिसीज बनाएंगे, वही बात आ जाती है कि आपको जनता के लिए हमेशा हर कार्य करना है और उसकी सेवा में आपको लगातार तत्पर रहना है। देखिए ये आप में एक नई नोबिलिटी की सोच लाती है, एक अच्छी सोच लाता है कि आपको देश के हित में कुछ करना है। यहाँ पे इंसान सीमित नहीं रह जाता खुद के या खुद के परिवार के प्रति या फिर अपने दोस्तों के प्रति, वो एक बड़ा नज़रिया रखता है, वो पूरे देश के विकास के बारे में सोचता है, वो अपने ड्यूटीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करता है कि उसके देश का हित हो पाए और अपने देश को अपनी माता के रूप में देखता है। अब अगर आप एक नागरिक के प्रति सोचें तो उसमें किस तरीके से आप देशभक्ति की भावना को देखते हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति में कोई नोबल आइडियाज हो, जो अच्छी सोच रखे वो, तो आप उसको देशभक्ति कह सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके के आइडियाज जिससे हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिससे हमें आज़ादी मिल पाई। आज के युग में अपने संविधान को मानना, उसका आदर सम्मान करना, ये आपके लिए देशभक्ति है। अपनी देश की इंटेग्रिटी, यूनिटी और सोवेनिटी को बनाए रखना, देश को एकजुट रखना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में ना बांटना, धर्म और जाति के आधार पर देश के टुकड़े ना करना, ये सब आपकी देशभक्ति के ही अंश हैं। उसके अलावा महिलाओं का आदर करना, उनका सम्मान करना, भाईचारे की भावना बनाए रखना, जो हमारे देश में इतने ज़्यादा संस्कृति निवास करती हैं, इतने सारे अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशन हैं, सबका सम्मान करना, सबको एक बराबर देखना, और कोशिश करना कि हर एक स्फेयर में, हर एक एरिया में हम लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ये सब आज के युग में देशभक्ति को झलकाती हैं। इसमें दोस्तों आप अगर कुछ नहीं लिख पा रहे तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपकी हैं वो भी अगर मेंशन कर देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फाइनली कंक्लूड किया। तो देशभक्ति क्या है? ये उस तरीके का एक घोल है जो हर एक व्यक्ति को साथ में जोड़ के रखती है, हमारी नींव को मजबूत रखती है, और हर एक व्यक्ति में एक निडरता की भावना बनाती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जगाती है। ये है आपकी देशभक्ति, ये है आपका पेट्रियाटिज्म। फिर अगला सवाल देखते हैं सत्यनिष्ठा के बारे में। शुरू किया है मैंने इसको डिफाइन करते हुए कि सत्यनिष्ठा क्या है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नियम, कुछ कायदे हैं जो एक सोसाइटी, एक समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है जब आप कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। ये एक इम्यूनिटी है करप्शन के खिलाफ, ये आपको वह शक्ति प्रदान करती है जिससे आप ज्यादातर वर्ग का भला कर सकें, जो भी पॉलिसीज, जो भी आप डिसीजन लें वो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट करा सके, यानी कि ये आपकी यूटिलिटेरियन अप्रोच को और ज्यादा मजबूत करती है। अगर आप में इसकी कमी होगी तो उससे होगा क्या, आप करप्शन करेंगे, जो आज पूरे विश्व में देखा जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विकासशील देशों में करप्शन आज बहुत ज्यादा प्रीवेल कर रहा है। आज हम कोई भी नैतिक सिद्धांत पे क्यों नहीं चल पा रहे, आज हम अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो पा रहे, और आज हम अपने अंदर सत्यनिष्ठा की भावना को क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे, तो इसके कुछ रीजंस हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि भाई वर्क कल्चर पुअर है। सबसे पहले तो
पॉलिटिक्स का हर जगह जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से एक लोक सेवक इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं एस्टैब्लिश करनी पड़ती क्योंकि जवाबदेही की कमी है, इसीलिए लोग अपनी मनमर्जी डिसीजन लेते हैं। एक ऐसी लीडरशिप नहीं है जो सबको इन्फ्लुएंस कर पाए, जो सबको रास्ता दिखा पाए। आज का युग जो है वो रुपये का है, वो मटीरियलिज्म का है। आदमी रुपये के पीछे भाग रहा है, वो उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी कुर्बान कर देता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है और कंज्यूमरिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं का आप सामना कैसे कर सकते हैं, इनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो शिक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। आप लोगों को शिक्षित कराएं, उनको समझाएं कि किस तरीके से अगर आपके अंदर सत्यनिष्ठा बरकरार रहेगी तो आप देश का भला कर पाएंगे। हमको एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। जो पावर बीच में केंद्रित है उसको बांटने की ज़रूरत है, नीचे के लेवल तक फैलाने की ज़रूरत है। और जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, आप जनता का पार्टिसिपेशन एनकरेज कर रहे हैं। जैसे ही आपने जनता का पार्टिसिपेशन एनकरेज किया, वैसे ही आप अपने आप अकाउंटेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक डिसीजन जो आप लेते हैं आपकी कोई जवाबदेही उसके लिए बननी पड़ेगी। तो कोई अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो उसके तहत आप लोग सही सोच समझ के डिसीजन लेंगे। वक्त आ गया है जो हमको गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदलना पड़े। हमको अपने कोड ऑफ एथिक्स को और मजबूती प्रदान करने का वक्त आ गया है। उनका इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट सही से और मजबूती से करने का वक्त आ गया है। आपको समर्पण करना पड़ेगा अपनी ड्यूटी के प्रति। और उससे होगा क्या, आप डियोन्टोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एथिक्स को परस्यू करेंगे, यानी कि आप अपनी ड्यूटी बेस्ड रहेंगे, ड्यूटी से हटके आप कोई काम नहीं करेंगे। टॉलरेंस को बढ़ाने का वक्त आ गया है। और जो भी आप नियम बनाएं, जो भी आप लॉज बनाएं, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, जिससे कि वो एक्चुअली लोगों की नीड को मीट कर सके। और अगर उसने लोगों की सबकी नीड को मीट कर लिया तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप फ्यूचर में भविष्य में पॉलिसीज़ बनाएंगे वो सब लोगों के समस्याओं का बिल्कुल सही ढंग से समाधान करेंगी। इसीलिए गुड गवर्नेंस के लिए आपको सत्यनिष्ठा को अपने अंदर बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। ये जो सवाल है ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है ज्ञान में और ईमानदारी में। तो ये कह रहा है कि भाई ज्ञान के बिना, यानी कि ज्ञान नहीं है और ईमानदारी है। तो आप ये देखिए, अगर मैं ऐसे करूं तो यहां पे तो है आपका ज्ञान जो कि कमजोर है, माफ कीजिएगा, यहां पे आपकी ईमानदारी है जो भारी है और यहां पे आपका ज्ञान है जो कमजोर है। तो अगर आपका ज्ञान कमजोर है, ईमानदारी भारी है, तो उसका कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है और ज्ञान है तो वो खतरनाक और भयानक हो सकता है। तो यहां पे आप किसी भी टेररिस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। भाई वो बॉम्ब बना रहा है, नए नए तरीके के हथियार ला रहा है, तो भाई उसमें ज्ञान तो है, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार नहीं है तो वो ज्ञान उसका इतना खतरनाक हो गया कि वो विश्व भर में आतंक फैलाने पे आ गया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दे के ये कथन को समझाना है। एग्जाम्पल ज़रूर दें जिससे कि आपका कथन को और ज़्यादा मजबूती मिल जाती है। और यहाँ पे तो ये सवाल ही आपसे कह रहा है कि उदाहरण का इस्तेमाल करें, उसकी हेल्प से ही इस आंसर को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। जो अगला सवाल है दोस्तों, ये दो चीज़ों पे बात करता है। एक ये बात करता है लक्ष्य पे और दूसरा ये बात करता है साधन पे। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ये कह रहा है सवाल कि भाई मनुष्यों को अपने आप को सदैव लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए। मतलब आपका लक्ष्य है आप, और आपको खुद को साधन नहीं मानना चाहिए। ये आपका जो है स्टेटमेंट, ये एंड्स और मीन्स से डील करता है। लक्ष्य आपका हो गया एंड्स और साधन आपका हो गया मीन्स, यानी कि आप किस तरीके से अपने लक्ष्य को अचीव कर रहे हैं। आप सिर्फ ये ना देखें, आप अपने आप को लक्ष्य भी देखें और उस हिसाब से आप जीवन में आगे बढ़ें। अगर आपको कुछ अच्छा पाना है तो आपके यहाँ पे व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आज हो क्या रहा है, आज देश में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, जिसके तहत ये जो आपका वे ऑफ लाइफ है सिर्फ आप इस पर ही ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप लगातार पाप करते चले जा रहे हैं और हम लोग सोच ये रहे हैं कि हमको अच्छा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ये गलत है। आप जो तरीके अपना रहे हैं और जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज होंगे। अगर आप अपने आप को लक्ष्य के तौर पर देखेंगे तो आपके तरीकों में भी बदलाव आएगा। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। जो पहला स्टेटमेंट था वो सैमुअल जॉनसन का है।
ये जो कॉन्सेप्ट है ये दो चीज़ों से डील करता है, पहली है इंटेग्रिटी और दूसरी नॉलेज, यानी कि एक है ज्ञान और एक है ईमानदारी। ये दोनों आज शासन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी जो होती है वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लिए होती है, जैसे कि अच्छे विचार, जैसे कि एक विचारधारा, कुछ स्टैंडर्ड्स जो आप फॉलो करते हैं, आपकी सोच क्या है और आपका व्यवहार क्या है, ये सब इंटीग्रिटी अपने अंदर लिए होती है। अगर आप में ईमानदारी है, आप इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये सभी चीज़ें अपनी अच्छी और शुद्ध लेके चलते हैं। अगर आप में इंटीग्रिटी होगी तो आप बाकी जो आपको प्रलोभन मिलेंगे उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आपके बाहर से जो प्रेशर बनेगा उससे भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और आप सही राह पे ही चलेंगे। लेकिन वही अगर आप में इंटीग्रिटी है और आप में कमी है ज्ञान की, तो फिर आप अपने अच्छे व्यवहार, आप अपने सत्यनिष्ठा, अपनी ईमानदारी को भी कहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में ज्ञान की कमी है और लोग आपको बाहर से आके मैनिपुलेट कर जाएंगे। तो इसीलिए ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है इंटीग्रिटी के साथ साथ। और अगर हम इसको उल्टी तरीके से देखें तो ये समझिए, आपके पास ज्ञान तो है लेकिन आपके पास ईमानदारी और सत्यनिष्ठा नहीं है, तो उससे होगा क्या? आप किस तरफ जाएं, क्या वो जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं वो लोगों के हित में है बात या फिर उनके हित में नहीं है बात, ये सब चीज़ों पे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे आदमी खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करता है, यहाँ पे उसका स्वार्थ उजागर हो जाता है। और इसीलिए अगर आदमी के पास ज्ञान है लेकिन उसके पास ईमानदारी की कमी है, तो वो बाकी काफ़ी लोगों का नुकसान ही करेगा, उनका अहित ही करेगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जिससे इस चीज़ को और आसानी से हम समझा पाएँ। देखिए, सबसे पहले उसामा बिन लादेन, मैंने आपको उस समय बताया था किस तरीके से अगर व्यक्ति के पास ज्ञान हो लेकिन ईमानदारी की कमी हो और उसके जो विचार है वो नैतिक ना हो, तो इससे क्या हुआ, वो पूरे विश्व में आतंक फैला रहा है। कंप्यूटर हैकर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हैकर दो तरीके के होते हैं, एक तो अच्छे हैकर्स होते हैं जो सरकार की मदद करते हैं, एक होते हैं खराब हैकर्स जो आपकी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, पैसा चुराते हैं। तो भाई हैकर्स के पास आप ये देखें कि नॉलेज की तो कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े कंप्यूटर के ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज तो ज़रूर है। फिर आती है बात इंटीग्रिटी की, अगर आप में इंटीग्रिटी है यानी कि अगर आप ईमानदार है, आप में सत्यनिष्ठा है, तो आप वहीं पे एक अच्छे हैकर बन जाएंगे और आप सरकार की मदद करेंगे। और वहीं पे अगर आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है, तो फिर आप वही हैकर वही नॉलेज से आप क्या करेंगे, आप लोगों को पैसे चुराएंगे, आप लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, आप उनकी इन्फॉर्मेशन चुराएंगे। तो ये देखिए, नॉलेज के साथ इंटीग्रिटी का होना कितना ज़रूरी है। वहीं पे एक और बात करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने इंटीग्रिटी लेके चलता है अपने अंदर, जैसे कि एक ईमानदार स्टूडेंट है, ये जो विद्यार्थी है ये बहुत ईमानदार है, लेकिन समस्या ये है कि इसके पास नॉलेज की कमी है, कुछ नहीं जानता, तो क्या लगता है आपको, एग्ज़ाम में ये पास हो पाएगा? नहीं, ये पास नहीं हो पाएगा, आपकी ईमानदारी काम नहीं आएगी, यहाँ आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल लिए, छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हुए बड़ा एग्जाम्पल लिया, और उसके अलावा आपने इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी जोड़ के दिखा दिया। फिर अगला पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। ये जो पार्ट था ये इमैनुअल कांत एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को खुद को लक्ष्य की तरह देखना चाहिए, ना सिर्फ साधन की तरह। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ कुछ कुछ रास्ते बनने के लिए या फिर कुछ मकसद या कोई पर्पस को सर्व करने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो खुद में अपने आप में बहुत वैल्यूएबल हैं। तो यानी कि ये जो बात है ये सबसे जो इम्पोर्टेंस देती है, सबसे महत्व रखती है ये एक व्यक्ति के जीवन को। ये एक ऐसी विचारधारा आप में डेवलप कराती है जो एथिकल यानी कि नैतिक डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समाज में लोगों के जीवन में ये एक स्थिरता लाती है, समानता लाती है। अब जब हम आज के युग में देखते हैं तो देखिए आज क्या हो रहा है, हर चीज़ सब कुछ कमोडिटी के माध्यम से देखा जा रहा है, मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो उसके लिए कुछ पैसे लेता है, और जो भी व्यक्ति कुछ सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाता, यानी कि अगर कोई दिव्यांगजन हो या फिर कोई वृद्ध हो, तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो सोसाइटी समझती है वो तो यूजलेस है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हम जो है, हम लोग सिर्फ इस सफ़र से ही खुद को भांप लेते हैं। अगर हम इस सफ़र में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, तो हम यूज़फुल हैं। अगर इस सफ़र में अभी हम कुछ नहीं कर रहे, तो हम यूज़फुल नहीं हैं। तो यानी कि हम लोग खुद को साधन के तौर पर देख रहे हैं सिर्फ। अगर हम साधन अच्छे हैं
और रुपया कमाने में या विकास में किसी तरीके से मदद कर सकते हैं तो ही हम काम के हैं, वरना फिर हम लोग किसी भी काम के नहीं हैं। तो ये गलत सोच है। यहाँ पे लक्ष्य पे जब आपको पहुँचना है तो आपको इस जरिए से खुद को देखना चाहिए। अब समझ लीजिए, अगर कोई दिव्यांगजन है और उसकी सोच बहुत अच्छी है, वो अपनी सोच से ही पूरे समाज में बदलाव ला सकता है और वो अपने आप को लक्ष्य के तौर पे देखे कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे जीवन का मकसद ये है। अब मैं कोई भी उसमें अप्रोच फॉलो करूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे जीवन का मकसद है समाज में बदलाव लाना, तो मैं वो ले आऊँगा। लेकिन अगर कोई बहुत एबल आदमी है, कोई लोक सेवक है, उसके जीवन का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं बदलाव लाऊंगा, लेकिन समस्या ये है वो अपने मार्ग से भटक गया। अब वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है, अब वो करप्शन में यूज़ हो रहा है, लोग उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक जो लोक सेवक है वो जनहित नहीं कर पा रहा। तो यानी कि साधन के तौर पे आप देख रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि वो लोक सेवक है, उसके पास दुनिया भर की सारी पावर्स हैं, लेकिन उनको वो सही से नहीं लगा रहा, जिससे कि लक्ष्य उसका धुंधलाता जा रहा है। पर ये जो व्यक्ति है, हालांकि साधन के तौर पे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, लोगों की ऐसी सोच है, लेकिन क्योंकि इसने अपने मन में ऐसा लक्ष्य तय कर रखा है कि उसको समाज में बदलाव लाने हैं, तो इसका लक्ष्य ज़्यादा बेहतर हुआ अभी जो इस पब्लिक सर्वेंट का लक्ष्य है। तो बेसिकली आज हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भेदभाव है। हम लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं। उसके अलावा गरीब और अमीर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ साधन के तौर पे देखते हैं। अगर कोई आदमी कोई प्रोडक्टिव काम कर पा रहा है तो ठीक है, वो नहीं कर पा रहा तो वो बेचारा गरीब है। हो सकता है इस गरीब के आने वाले समय में लक्ष्य और अच्छे हों, इसकी सोच अच्छी हो, इसकी विचारधारा अच्छी हो। हो सकता है ये जो अमीर है, ये साधन तो अच्छा है लेकिन इसके लक्ष्य खराब हों। ये कभी किसी के लिए दान नहीं करता, ये कोशिश ही नहीं करता गरीब लोगों की सहायता करने का, तो इसका लक्ष्य खराब है। तो आपको अपने आप को सिर्फ साधन के तौर पे ना देख के लक्ष्य के तौर पे देखना चाहिए, तो जो आपका पाथ है वो अपने आप बेहतर बन जाएगा। और अगर हम इस तरीके की सोच को प्रोपोगेट करेंगे, इसको फैलाएंगे, तभी हमारा देश जो है अच्छे से विकास कर पाएगा, तभी मानवता खुश रह पाएगी, विकास कर पाएगी। अब हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इजी और ओपन टू ऑल एग्जाम्पल है। इसमें एक आपको कोई भी विख्यात व्यक्तित्व लेना है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसके जीवन के जो नैतिक आचरण है उन आचरणों ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी है। उनकी शिक्षाओं का आप सार यहाँ पे प्रस्तुत करें और उदाहरण दीजिए कि किस तरीके से इस व्यक्तित्व के जो नैतिक आचरण है उसको आप अपने जीवन में कैसे उतार पाए। तो यहाँ पे कोई भी एक पर्सनालिटी ले लीजिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर दीजिए और उनके कुछ चीज़ों को आप अपने जीवन में कैसे उतार पाए वो लिख दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप यहाँ पे नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल लें, बताइए उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से दूसरों की सेवा में बिताया और उस तरीके से आप उन्हीं नैतिक आचरणों को आज अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। और फिर दूसरा इसका जो भाग है, ये लोक सेवकों की बात कर रहा है, उन पे पड़ रहे भारी उत्तरदायित्व की बात कर रहा है। कह रहा है कि लोक सेवकों पर भारी नैतिक उत्तरदायित्व होता है और वो क्यों होता है? क्योंकि उनको बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन मिली हुई है, उनको लोक निधियों की विशाल राशियों को हैंडल करना पड़ता है और उनके सभी निर्णयों से, उनके डिसीजन से समाज पे और पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आपको अपनी नैतिक क्षमताओं को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उनको मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, ये आपको इसमें बात करनी है कि भाई आपके पास बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है जिससे आप समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में बदलाव लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने नैतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना पड़ेगा। तो आप इनको मजबूत किस तरीके रख पाएंगे, इस पे आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो देखिए, जो पहला भाग है वहाँ मैंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया है। मैंने कहा है गांधी जी ने मेरे जीवन को एक नई राह दिखाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। उनके जो तरीके हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो विचार हैं, उसको अगर हम अपने जीवन में आज उतार लें तो हर एक समस्या का बहुत अच्छे से समाधान मिल पाएगा बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। गांधी जी के फिर तरीके क्या थे? सत्य की राह पे चलना, हिंसा नहीं करना, अपने लिए सिर्फ उतना ही जमा करना जितना आपको ज़रूरत है,
जबरदस्ती का एक्यूमुलेट नहीं करना। अगर आप इस वाले प्रिंसिपल पे चलेंगे तो आज जो आपके बीच में इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं अमीर और गरीब के बीच में, वो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अमीर के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, गरीब के पास ज़रूरत के लायक भी पैसा नहीं है। तो अगर ये अपना जो सरप्लस है वो लोगों के हित के लिए बांटने लग जाएं, तो गरीबी काफ़ी हद तक हमारे देश में कम हो सकती है। इसीलिए गांधी जी के विचारों का आज भी बहुत महत्व है। गांधी जी नैतिकता के बहुत बड़े प्रचारक थे। वो कहते थे, ना सिर्फ आपको अपने लक्ष्य को देखना चाहिए, लेकिन किस मार्ग से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ चौरी चौरा इंसिडेंट का, जब गांधी जी ने कहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय कि अगर अब स्थिति सही नहीं हुई तो हम लोग बारदोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। लेकिन फिर उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान यहाँ पे भड़क गई हिंसा, जहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे काफ़ी लोगों की पुलिस स्टेशन में मृत्यु हो गई। गांधी जी ने इस हादसे को देखा, उनको लगा कि अब देश में स्थिति सही नहीं है, हिंसा भड़क रही है और ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ जा रही थी बात, तो उन्होंने वहीं पे मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। हालांकि इसके लिए उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन आलोचना से डरे बगैर वो अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ते रहे। उसके अलावा गांधी जी ने बात की है सात पाप की, सेवन सिंस की, यानी कि जिस चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए वो गांधी जी ने यहाँ पे बताया है। उससे आप जीवन को अपने नैतिक मूल्यों पर निर्वाह कर पाएंगे। अब मैंने किस तरीके से अपने जीवन में इनकी टीचिंग्स को अपनाया है, सबसे पहले तो हर एक धर्म का, हर एक जाति का सम्मान करना, किसी को भी अपने से नीचा ना समझना, सही चीज़ जो लगे आपको वही करना, सत्य के मार्ग पर चलना, आपको नैतिक अपने अंदर आचरण बनाए रखने हैं, महिलाओं की बहुत इज्जत करनी है, उनका सम्मान करना है, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उनका सम्मान करना है, उनको उठाने के लिए आपको अच्छे से अच्छे कार्य करने हैं और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपको शांतिपूर्वक कार्य करने हैं। तो ये मैंने गांधी जी के जीवन से सीखा है, उनकी तरीकों से सीखा है। और गांधी जी के जो नैतिक तरीके हैं वो आज की सभी समस्याओं का समाधान निकालने में पूरी तरह सक्षम है। बस ज़रूरत है तो हमको उन तरीकों को अपनाने की, और फिर हमें देखना है किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा भाग देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत बड़ा, बहुत भारी उत्तरदायित्व होते हैं, तो उनको किस तरीके से खुद के नैतिक मूल्यों को मजबूत रखना चाहिए जिससे वो इस उत्तरदायित्व को सही से निभा सकें। देखिए, पब्लिक सर्वेंट होते क्या हैं, ये पब्लिक की जो भी रिसोर्सेज होती हैं, जो पब्लिक का भरोसा होते हैं, उन सबके प्रोटेक्टर हैं और उन पे संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, देश के विकास के लिए अच्छी से अच्छी नीतियाँ तैयार करें, अच्छी से अच्छी नीतियों को इम्प्लीमेंट करें। हर एक जो वो डिसीजन लेते हैं, हर एक उनका निर्णय बहुत बड़े तौर पे लोगों को इम्पैक्ट करता है। सोसाइटी को ले लें आप या फिर पर्यावरण को ले लें, लेकिन वो सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो उनके डिसीजन हो, जो उनके निर्णय हो, वो नैतिक मूल्यों पर आधारित हों। कुछ स्टेप्स जो कि ली जा सकती हैं उनके नैतिक मूल्यों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, सबसे पहले तो नॉलेज और स्किल्स की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें उनको एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में समझाया जाए। ये समझना चाहिए कि हमारा देश जो है वो अनेक संस्कृतियों से भरा हुआ है, हर एक संस्कृति को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक के हित में आपको काम करना चाहिए, आपको समाज को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए, आपको सहिष्णुता को प्रमोट करना चाहिए, आपको अहिंसा को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे अल्ट्रुइज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अल्ट्रुइज्म मतलब क्या है, समझ लीजिए, ये एक घेरा है जिसमें 8-10 लोग खड़े हैं और ये आप खड़े हैं, तो आप एक तो तरीका है आप यहाँ से अपना फ़ायदा ले लें, एक तरीका है आप इन 8-10 लोगों का फ़ायदा करा दें। तो अल्ट्रुइज्म का अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो इसका मतलब आप खुद से पहले इन लोगों के फ़ायदे को ज़रूरी समझते हैं और इन लोगों के फ़ायदे के लिए आप काम करते हैं, भले ही आप खुद एक डिसएडवांटेज पोजिशन पे हों, आपको किसी प्रकार का फायदा ना हो, लेकिन आपके सामने जो भी जनता है आप उसका फायदा करवाएं। ये प्रिंसिपल हमें अपने पब्लिक सर्विसेज में फॉलो करना ज़रूरी होता है। एक ऐसा जीवन हमको जीना चाहिए जहाँ पे मटेरियलिज्म की बहुत कम डिमांड हो, हर एक चीज़ को बहुत अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि हर एक डिसीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सारे ही पहलुओं पर नज़र डालें, फिर ही कोई आगे डिसीजन लें। नए आइडियाज़ के लिए, नए क्रिटिसिज्म के लिए आपको ओपन रहना चाहिए और आपको लोगों से उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए जिस तरीके का व्यवहार आप लोगों से खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। जीवन के प्रति आपके अंदर सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी की तरफ, अपने गोल की तरफ समर्पित होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप प्रमोट कर रहे हैं डियोन्टोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एथिक्स,
सही चीजों को सही तरीके से आपको करना आना चाहिए, आपको खुद के प्रति जागरूक होना चाहिए, आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, और इसके अलावा हमको अच्छी किताबों की मदद लेनी चाहिए जिसके तहत वो लोग और ज़्यादा नॉलेजेबल बन पाएँ और ज़्यादा एक्सपीरियंस बन पाएँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप नैतिक मूल्यों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ये जो पहला सवाल है दोस्तों, ये डील करता है विश्वास न्यूनता से, यानी कि आपके ट्रस्ट डेफिसिट से ये डील करता है। ट्रस्ट डेफिसिट क्या होता है? जब लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है तो वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। सवाल कह रहा है कि आज का जो समाज है वो इस चीज़ से ग्रसित है, वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, विश्वास की न्यूनता बहुत ज़्यादा है। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और आप ऐसी स्थिति में खुद को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए, खुद को विश्वसनीय बनाने के लिए किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पे, ये आपको तीन भाग में आंसर करना है। कुछ कुछ पार्ट्स दें हर एक अंश को, पहले को कुछ थोड़े से वर्ड्स में लिखें, दूसरे को कुछ थोड़े और वर्ड्स में लिखें, तीसरे को भी थोड़े वर्ड्स में लिखें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 150 शब्द हैं। तो समझ लीजिए आपके पास 30 से 40 शब्द हैं हर एक पार्ट को आंसर करने के लिए। बैकग्राउंड आप ज़्यादा दे नहीं सकते, हल्का सा दे दें, बाकी आप फोकस करें पूरे आंसर पे। जो अगला क्वेश्चन है वो दो कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। पहला तो है पॉवर्टी यानी कि निर्धनता, और दूसरा है आपका करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। सवाल कह रहा है कि अक्सर ये देखा जाता है ये जो रिलेशन है ये इसी तरीके से एस्टैब्लिश होता है, यानी क्योंकि आप गरीब हैं, क्योंकि आप निर्धन हैं, इसी वजह से आप भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, लेकिन फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है परंतु ऐसे भी उदाहरण की कोई कमी नहीं है जहां पे पुअर नहीं बल्कि संपन्न व्यक्ति आपके भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो, शक्तिशाली व्यक्ति भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो। तो ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है लोगों में, उसके आधारभूत कारण क्या हैं आपको ये बताना है, बेसिक कॉजेज क्या हैं, और उसके अलावा आप जो भी आंसर लें, जो भी आप पक्ष लें, उसको एग्जाम्पल्स के तहत और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें। तो ये दो भाग में क्वेश्चन है, पहला ट्रस्ट डेफिसिट से बात करता है, दूसरा बात करता है रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड करप्शन, और फिर कहता है कि संपन्न लोग यानी कि जो पावरफुल हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं, वो भी करप्शन करते हैं। दोनों चीज़ों को आप देखिए और फिर फाइनली बताइए क्या कॉज है करप्शन का बेसिक। तो देखिए पहला जो सवाल देखते हैं हम, इसमें इसका आंसर ये है कि सबसे पहले मैंने बताया ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसके क्या क्या कॉजेज हैं। यहाँ पे मैंने ट्रस्ट डेफिसिट को डिफाइन नहीं किया क्योंकि तीन भाग है हमारे आंसर में, हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, इसीलिए सीधे कॉज पे आ जाएं कि क्या समस्याएं हैं और उससे क्या हो सकता है। तो आप ये पहले भाग को एड्रेस करेंगे कि भाई ट्रस्ट डेफिसिट जो है, विश्वास की न्यूनता जो है वो एग्जिस्ट तो कर रही है। देखिए क्यों होती है, लोगों में इंटेग्रिटी की कमी होती है अलग अलग लेवल पे। जो हमारा सिस्टम है ये बहुत लेवल पे चलता है, सबसे ऊपर फिर उसके नीचे फिर और नीचे फिर और नीचे, तो ये जो अलग अलग लेवल पे सिस्टम चलता है तो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स प्रीवेल कर रही हैं। हर एक लेवल पे सत्यनिष्ठा की कमी है, ईमानदारी की कमी है, इंटेग्रिटी की कमी है, इस वजह से हर एक लेवल पे लोगों में विश्वास की कमी होती जा रही है लगातार। तो भाई इससे होता क्या है, इससे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि म्यूचुअल आइसोलेशन। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, सबके दिमाग में ये चल रहा है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, तो इससे क्या होता है लोगों के बीच में नफरत की भावना बढ़ती है। हमारी जो सोसाइटी एक साथ जुड़ के रहनी चाहिए थी वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, लोगों का सोशल कैपिटल कम हो जाता है। सोशल कैपिटल मतलब आप कितने लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं, अच्छे व्यवहार रखते हैं, ये आपका सोशल कैपिटल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में दूसरे के खिलाफ इस तरीके की भावना भरी हुई है कि सामने वाला मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, उनमें विश्वास एक दूसरे के नहीं है ली। तो इसीलिए जो आपकी सोसाइटी है वो टूट जाएगी और आपका सोशल कैपिटल और ज़्यादा कम हो जाएगा। सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि हर आदमी ये चाह रहा है कि उसके पास उसकी खुद की सभी रिसोर्सेज हों, उसको ये बात पे भरोसा नहीं है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो सामने वाला मुझको देगा। और वो भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि आज उसमें विश्वास की न्यूनता पैदा हो चुकी है, सरकार की मशीनरी भी इसी के तहत इनफिशियंट हो चुकी है, लोगों में यूनिटी की कमी है, एकता की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है और कम्युनिकेशन की कमी हो रही है, इससे ट्रस्ट डेफिसिट और ज़्यादा फैल रहा है। देखिए पहले मैं बताता हूँ, ट्रस्ट डेफिसिट है यानी कि विश्वास नहीं है लोगों में एक दूसरे के प्रति, उससे वो कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से ज़्यादा बातें,
और वो कम्युनिकेट नहीं करते, तो ये चीज़ वापस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये एक साइकिल है जो घूमती जा रही है। आपको ज़रूरी है यहाँ पे इसको ब्रेक करना और लोगों में विश्वास जगाना। आपकी निर्णय लेने की काबिलियत कमज़ोर पड़ने लगती है और सोसाइटी है वो जो वहीं की वहीं थम के रह जाती है, विकास नहीं होता। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको ट्रस्टवर्दी बनने के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों पे चलना चाहिए, आपको ईमानदार रहना चाहिए, आपको सत्यनिष्ठा को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर आप खुद से सच्चे हैं, अगर आप जो कमिटमेंट करते हैं वो आप पूरे कर पा रहे हैं, तभी लोगों में आपके प्रति विश्वास डेवलप होगा। आप सबसे पहले जो भी आप प्रॉमिस करें उन चीज़ों को करके दिखाएं, तो उसके बाद लोग आप पे विश्वास करने लगेंगे। लोग आपको बोलेंगे कि भाई जो भी आपने कहा वो सब चीज़ें एक्चुअली में आपने करी, आपने विकास लाया, और इसके तहत लोग भी आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे और आप और बेहतर पॉलिसी बना पाएंगे। आपको एम्पैथी रखने की ज़रूरत है, कंपैशन रखने की ज़रूरत है, सबको एक ही नज़रिए से देखना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो जो सांप्रदायिकता आज फैल रही है, जो हम जाति के आधार पे और हम धर्म के आधार पे छोटे हिस्सों में टूटे हैं, वो नहीं होगा। सब लोग एकजुट होकर रहेंगे और उससे आपका जो भरोसा है, विश्वास है, वो और ज़्यादा मजबूत बनेगा। फिर हम दूसरा भाग देखते हैं, करप्शन। तो सबसे पहले तो करप्शन होता क्यों है, हम लोगों को करप्शन और पॉवर्टी के बीच में पूरी बात करनी है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं करप्शन होता क्यों है, कहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए, करप्शन कहाँ से होता है? जब लोग पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने खुद के व्यक्तिगत फायदों के लिए करते हैं, तो वहाँ से करप्शन का जन्म होता है। इसीलिए जनरली देखा जाता है जो पब्लिक ऑफिस में होते हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो पर्सनल गेन के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये इस तरीके से बढ़ती रही तो आपके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, आपकी जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो रुक सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कम हो सकती है और आप लोग जनता के विकास के लिए कम ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने बताया है कि भाई पॉवर्टी का तो रिलेशन है करप्शन से, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ पॉवर्टी का हो। आपने देखा है कि अमीर लोग भी बहुत भयंकर करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं वो भी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या रीज़न है इन करप्शंस के, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले मटीरियलिस्टिक कल्चर, हर व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से बड़ी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो कैसे आएंगे? वो आएंगे करप्शन से, क्योंकि लोगों की इनकम तो लिमिटेड होती है। अब आपको ऊपरी गेंद चाहिए, आपको सामने वाले को देख के अगर जलन होती है, उससे अच्छा हमको सभी साधन चाहिए, तो फिर हमको करप्शन करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो करप्शन को और ज़्यादा उकसाती है। कई जगह पे आपने देखा है सरकार की मोनोपली है, उनका डिस्क्रिशन है। इससे होता क्या है कि उनको चेक करने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनकी मोनोपली है, उनके सामने कोई कंपटीशन में खड़ा नहीं है क्योंकि उनकी मोनोपली है, तो इसी के चलते वो उसमें करप्शन करते हैं, ज़्यादा दाम में चीज़ें बेचते हैं और अनफेयर प्रैक्टिसेस में वो इंडल्ज होते हैं। फिर उसके बाद कुछ अनफेयर गेन्स करना चाहते हैं लोग, जैसे आज के ज़माने में घूसखोरी बढ़ती जा रही है, एक्सटॉर्शन बढ़ रहा है, लोग नेपोटिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव ले रहे हैं, अपने परिवार वालों को कैसे ना कैसे करके राजनीति के दायरे में ला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, नेपोटिज्म और कुछ घूसखोरी और एक्सटॉर्शन जैसी भावनाएं बढ़ रही हैं। कोई ढंग के प्यूनिटिव मेजर्स नहीं है, कोई ऐसे लॉज नहीं है स्ट्रिंजेंट जो अगर आप करप्शन में पकड़े जाएं तो आपके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। अलग अलग तरीके की इम्यूनिटीज़ हैं। इनफैक्ट जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा कर दी जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप यहाँ पे अशोक खेम का, न जाने इनके कितने ट्रांसफ़र किए गए क्योंकि ये ऑनेस्ट ऑफिसर थे, ये बाकी लोगों के हिसाब से खुद को बेंड नहीं करना चाहते थे, तो उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उनको ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है जहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाए। और उसके बाद आज ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता की कमी है, जिसकी वजह से आप जो भी डिसीजन लेते हैं लोग उसमें हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि लोग उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे तो लोग आपसे सवाल नहीं उठा पाएंगे। जब आपसे कोई सवाल ही नहीं उठाएगा तो आप अपनी मनमर्जी के यहाँ पे फैसले लेंगे और आप करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो ज़रूरी है पारदर्शिता का स्थापित होना। अगर पारदर्शिता होगी, यानी कि यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी, तो हर आदमी ये चीज़ देख पाएगा, आपके डिसीजन पे सवाल उठा पाएगा और फिर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जवाबदेह होने से पहले आप खुद ही बहुत कोशिश करेंगे कि आप बड़े सतर्कता से सभी फैसले लें। आज आरटीआई से काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन फिर भी आरटीआई में भी अभी कुछ प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना डेटा यहाँ पे शेयर नहीं करते, और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा करप्शन जो है राजनीति में ही प्रिवेल करता है। तो ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी भी आरटीआई के दायरे में आए, और कुछ ऐसे अमेंडमेंट की ज़रूरत है जहाँ से हम आरटीआई को और मजबूत बना पाएँ,
जिससे कि ट्रांसपेरेंसी की स्थापना हम कर पाएं। ये जो सवाल है दोस्तों, ये डील करता है सोशल प्रॉब्लम से और उनसे लड़ने का जो आपके अंदर एटीट्यूड है उससे। सवाल कह रहा है कि भाई दुनिया भर की सामाजिक समस्याएं हैं, तो उनसे लड़ने के लिए आप में अभिवृत्ति या एटीट्यूड का डेवलपमेंट कौन कौन से कारक करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके तहत आपको ऐसे एटीट्यूड प्राप्त होता है जिससे आप सामाजिक समस्याओं से आज लड़ पाएं। हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियाँ व्याप्त हैं, अलग अलग लोगों के एटीट्यूड हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो यहाँ पे फिर अगली बात हुई है कास्ट सिस्टम के बारे में। सोशल प्रॉब्लम में भी एक कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। सवाल आगे कह रहा है कि हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम अभिवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं, यानी जातिवाद को टैकल करने के लिए क्या अलग अलग एटीट्यूड्स आपके सामने नज़र में हैं, और आप किस तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो विषम अभिवृत्तियाँ हैं ये हमारे समाज में आज एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको सोशल प्रॉब्लम को एटीट्यूड से जोड़ना है। सोशल प्रॉब्लम में भी फिर आगे जाके क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, वो कास्ट के बारे में बात करता है। कास्ट के लिए हमारे देश में किस तरीके से अलग अलग एटीट्यूड प्रेजेंट है और उन एटीट्यूड को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एटीट्यूड या फिर अभिवृत्तियों को डिफाइन करते हैं। एटीट्यूड क्या है? एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए आपके दिमाग जिस तरीके से सोच रखता है, जिस तरीके से आप उसके बारे में फील करते हैं, वो आपका एटीट्यूड है। जिस तरीके से आप किसी वर्क के बारे में एक्शंस लेते हैं, वो आपका एटीट्यूड है। अब भाई ये एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे, किस तरीके के एनवायरनमेंट प्रिवेल कर रहे हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है या कोई गरीब बच्चा है, वो आपके सामने आता है ट्रैफिक सिग्नल पे, आपसे कुछ पैसे मांगता है। तो यहाँ पे ही हम दो तरीके के एटीट्यूड देखते हैं। कई लोग तो उसके प्रति इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड रखते हैं और उसको कुछ भी हेल्प नहीं करते। कई लोग वहीं पे उस बच्चे के प्रति सहानुभूति की भावना रखते हैं और उसको हेल्प करते हैं। तो ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। अब आपके फैक्टर्स क्या हैं जो एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो जागरूकता और आपकी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको लोगों की समस्याओं का उतना ज़्यादा पता लगेगा। उस तरीके से आपकी जो अभिवृत्तियाँ हैं वो अपने आप में बदलाव लाएंगी लोगों की समस्या सुन के। आपको ज़रूरी है अपनी भावनाओं को जोड़ना आज जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे। आपको देखना पड़ेगा आपने पहले कब एक्सपीरियंस किए हैं इस तरीके की सामाजिक समस्याएं, आपके क्या बिहेवियर रहे हैं, आपके उस पर क्या बिलीफ, आइडिया, थॉट्स, क्या एट्रीब्यूट्स रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपका जो है एटीट्यूड बनता है उसमें, या फिर बदलाव आते हैं। यहाँ पे हमने बात की है कि भाई हमारे भारत देश में बहुत अलग अलग तरीके की बहुत विषम हमको अभिवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे देश एक तरफ बहुत विकास कर रहा है और दूसरी तरफ वहीं पे अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की भावना लोगों में आज भी एग्जिस्ट करती है। एक तरफ देश अलग अलग स्फीयर में आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनल अलग अलग जो स्टैंडर्ड्स है उसमें अच्छी रैंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन कास्ट सिस्टम, आज भी महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है, आज भी हमारे दहेज की परंपरा जारी है, आज भी छोटी बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है क्योंकि लोगों को महिलाएं एक फाइनेंशियल बर्डन जैसी लगती हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, इनइक्वालिटीज भी आज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब यहाँ पे हम उन एटीट्यूड को एग्जांपल से समझाते हैं। पहले तो डिवीजन ऑफ लेबर में देखते हैं। सबसे पहले आपका जो वर्ण सिस्टम है, आप उसमें मान लीजिए जो जातियाँ हैं वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड हैं और कुछ जातियाँ इस गोले से भी नीचे हैं। तो जो अपर कास्ट है वो कहती है भाई ये बिल्कुल सही है, ये इसी तरीके से रहनी चाहिए, लेकिन जो लोअर कास्ट है वो पूरी तरह इसके अगेंस्ट है, वो चाहती है कि गोला खत्म हो और सब लोग एक ही पायदान पे खड़े हों। तो दो लोगों में अलग अलग अभिवृत्तियाँ यहाँ पे आ गईं। फिर हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। शहरी इलाकों में रहने वाले जो युवा लोग हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी कास्ट को लेके ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। उनके दोस्त, उनका सर्कल, इसमें सभी तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये दूसरे धर्म का है, दूसरी जात का है, तो इसको अपने साथ बिठा के खाना ना खिलाओ। लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों में देखें तो अब भी कुछ जो पौराणिक विचारधारा रखने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं।
आपने ये भी देखा है कुछ लोग हैं जो कास्ट सिस्टम को तो सपोर्ट नहीं करते कि नहीं नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर हैं, लेकिन आप वहीं पे देखेंगे कि वो इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं करवाएंगे, वो इंटरकास्ट डाइनिंग नहीं करेंगे, वो उन लोगों के हाथ का बना हुआ खाएंगे नहीं, उनसे बनवाएंगे नहीं। तो ये भी एक कंट्रास्टिंग एटीट्यूड है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कास्ट सिस्टम से, दूसरी तरफ आप इन सब चीज़ों को भी प्रोपोगेट कर रहे हैं। और जो आज के युग में रिजर्वेशन है वो इस विचारधारा को और ज़्यादा जोर दे देता है, क्योंकि रिजर्वेशन के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको आगे लाया जाए, लेकिन अपर कास्ट उसको देखती है कि भाई ये एक उनके साथ भेदभाव है, उनको बराबर का हक नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके से यहाँ भी अलग अलग एटीट्यूड देखने को मिलते हैं, और रिजर्वेशन से वो एटीट्यूड और ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। क्या वजह है इन डिस्टिंक्शन की, क्यों ये विषमताएं हैं? सबसे पहले तो जो हमारी नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, वो आधा अधूरा है, वो पुरानी परंपराओं पे बेस्ड है, वो सही नहीं है, आज के युग के हिसाब से वो मैच नहीं करता। बहुत समय से चला आ रहा है कि जो अपर कास्ट है वो डोमिनेट करती है, जो लोअर कास्ट है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। शिक्षा की कमी है, कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स इतनी चल रही है, लोग वोट बैंक के लिए समाज में बंटवारा करवा देते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, और जो लोअर कास्ट वुमेन और मेन हैं उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, उसमें लोग स्टबर्न हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड आज भी प्रेविलेंट है। जब तक आप इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक आप ये नज़रिया नहीं रखेंगे कि हमारे साथ वाले सभी लोग मनुष्य हैं, सब लोग एक बराबर हैं, तब तक ये आपकी विषमताएं कहीं ना कहीं प्रिवेल करेंगी और अंदर ही अंदर से ये देश को खोखला करेंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और एक नैतिक विचारधारा रख के सबको बराबर मान के आगे आपको बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। फिर हम दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि जवाबदेही का क्या अर्थ है लोक सेवा के संदर्भ में? सीधा आपसे वो डेफिनेशन पूछी गई है, आप यहाँ पे आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको व्यक्तिगत जवाबदेही और सामूहिक जवाबदेही को एस्टैब्लिश कराना है तो आपको क्या-क्या करना चाहिए लोक सेवकों के कंटेक्स्ट में? तो ये आपके दो भाग हैं, पूरा जो क्वेश्चन है वो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पे ही है। पहला कह रहा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी जो है वो होती क्या है, और दूसरी बात कह रहा है कि आपको इंडिविजुअल और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी अगर एस्टैब्लिश करनी है तो आपको क्या कराना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं अकाउंटेबिलिटी होती क्या है। ये जवाबदेही है, अगर आपने कोई भी निर्णय लिया है जो ज़्यादातर लोगों पे असर डाल रहा है तो लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि आपसे सवाल कर सकें। अगर आपने कहा है कि मेरे डिसीजन से गरीबों को शिक्षा मिलेगी, उनका फ़ायदा होगा, तो गरीबों के पास एक सवाल करने का अधिकार होना चाहिए कि भाई किस तरीके से फ़ायदा होगा, तुम्हारी जो पॉलिसी है इनमें तो कहीं फ़ायदे का जिक्र ही नहीं है। तो ये हो जाती है आपकी जवाबदेही, और ये जो जवाबदेही है इसके तहत होता क्या है, लोग डिसीजन में अपने फिर बड़े ही सतर्क रहते हैं, सही से डिसीजन लेते हैं जिससे कल को कोई उन पर सवाल ना उठा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है गुड गवर्नेंस का, और ये सही से लोगों को सर्विस की डिलीवरी भी करवाता है, ये एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है, और वो व्यक्ति जवाबदेह हो जाता है जो भी निर्णय वो लेता है उसके रिस्पेक्ट में। ये जो आप डिसीजन लेते हैं उनको और ज़्यादा मजबूत, और आपको सतर्क रहना पड़ता है इन डिसीजंस को लेते वक्त। अगर आपको अपने व्यक्तित्व, माफ़ कीजिएगा, व्यक्तिगत लेवल पे इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कुछ तरीके आप अपना सकते हैं, जैसे कि इंटरनल ऑडिट्स होने चाहिए जो कि आपके हर एक एक्शन पे, हर एक डिसीजन पे नज़र रखे। कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बननी चाहिए जिनकी भी नज़र रहे आपके ऊपर। आपको पारदर्शिता स्थापित करने की ज़रूरत है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटेड दोनों ही स्फेयर में। उसके अलावा आपको नई नई टेक्नोलॉजीज, नई टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आप इवैल्यूएट कर सकें कि आप आज कहाँ पे खड़े हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि लोकपाल और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं। जो भी आपके विजिलेंस कमीशंस हैं, जो आपकी ऐसी बॉडीज़ हैं जो आप पे नज़र रखती हैं, आपके खराब कंडक्ट को देखती हैं, उनको पूरी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उनको स्वतंत्र बनाइए जिससे वो इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज़ में देख सकें। यहाँ पे हम CVC का एग्जाम्पल लेते हैं, CBI का एग्जाम्पल लेते हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि भाई जो CBI है ये केज्ड पैरट हो गया है। केज पैरट मतलब एक तोता हो गया है जो पिंजरे में बंद है, जैसा उससे बोला जाए वैसे ही वो करता है।
तो ये चीज दिखाती है आज इन चीजों की दशा खराब है। तो आपको इनके ऑटोनॉमी पे काम करने की बहुत जरूरत है। कोड ऑफ एथिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एथिकल गवर्नेंस की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स को। फिर अगर कलेक्टिव लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट्री में यानी कि पार्लियामेंट स्फेयर में आपको ज़्यादा इस तरीके के सवाल उठाने चाहिए, इस तरीके के रिजोल्यूशन लाने चाहिए जो आपकी पार्टी लाइन से तो बाहर हैं लेकिन जनता की हित के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल जो है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, कैग के थ्रू, बजट के थ्रू। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सिविल सोसाइटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रेस को और मीडिया को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। जो हमारे आरटीआई एक्ट में लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं उनको भरिए। सोशल ऑडिट्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ भी पॉसिबल हो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर लोकल गवर्नमेंट को आपको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। ई गवर्नेंस के थ्रू ये चीज़ आप कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे एक्ट जिससे विसल ब्लोअर्स का प्रोटेक्शन हो, जिससे कोई भी अगर गलत क्लेम करे, किसी ऑनेस्ट ऑफिसर को फंसा रहा हो तो उसको पकड़ा जाए, इस तरीके के एक्ट लाने की ज़रूरत है। आपको एक अच्छा और आज के समय के अनुसार सिटीजन चार्टर लाने की भी ज़रूरत है जो सिटीजन की नीड को पूरा करे, और फिर उसके बारे में जागरूकता फैलाइए और लोगों को बताइए कि इस सिटीजन चार्टर के तहत आप लोगों को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपके कुछ स्टेप्स हुए कलेक्टिव लेवल पे जो आपकी जवाबदेही को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आइए हम आज का आखिरी सवाल यानी कि आठवां सवाल देखते हैं दोस्तों। ये जो आपका सवाल है ये डील करता है सेक्सुअल वायलेंस से यानी कि यौन उत्पीड़न से। सवाल कह रहा है हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन जो उत्पीड़न है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपके पास आज बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत आप लोगों को पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस संकट से निपटने के लिए आप कुछ उपाय बताइए जो आपके हिसाब से बिल्कुल सही रहेंगे। तो आपको अपना पूरा मुद्दा रखना है सेक्सुअल वायलेंस के चारों तरफ, और आपको दो भाग में इस सवाल को तोड़ना है। पहले भाग में आप बताएंगे किस तरीके से लीगल प्रोविजंस हैं लेकिन वो ज़्यादा लाभदायक नहीं हैं। फिर दूसरे में आप मेजर सजेस्ट करेंगे आपके अनुसार क्या होना चाहिए जिसके तहत इस चीज़ को मजबूती मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड लिया कि सेक्सुअल वायलेंस बढ़ती जा रही है महिलाओं के खिलाफ। मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन किया जब कोई भी ऐसा एक्ट किया जाए जो ज़बरदस्ती महिलाओं को प्रताड़ित करे, जो उनका सेक्सुअल फ्रीडम है उसको वायलेट करे, भले ही आप कुछ भी रिश्ता रखते हों लेकिन वो सब के सब इसी दायरे में काउंट होगा, वो यौन उत्पीड़न ही है। ये आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं महिलाओं के उसको बिल्कुल दबा देता है। काफ़ी समय से हम लोग अलग अलग तरीक़ों से इस प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत हद तक देश के हर एक कोने में इस तरीके की समस्याएं प्रीवेल करती हैं। और इन दिनों देखा जा रहा है कि आपके शहरी इलाकों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो पहले कंसिडर होते थे थोड़े सेफ, अब वो ज़्यादा वल्नरेबल एरिया में आ चुके हैं। कुछ मेजर्स जो हमको लेने चाहिए, देखिए, महिलाओं को आपको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखानी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग एरियाज पे टैकल करना है। सबसे पहले जो ऑफेंडर्स जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, फिर महिलाएं, ये तो आपके हो गए ऑफेंडर, फिर ये आपके हो गए विमेन जो इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो दो आपके बेसिकली यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हो गए, इनसे संबंधित आप चीज़ों को देखिए। आप ऑफेंडर्स को किसी तरीके से डिस्करेज करिए या फिर पकड़िए, महिलाओं को आप यहाँ पे सशक्त कीजिए। तो ये दो एरियाज में आपको अपने सारे मेजर्स को बांटना होगा। सबसे पहले मैंने कहा है कि महिला को हमको सशक्त करने की ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस से, तो मैंने पहली बात कर दी महिला के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात, मेरे को कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है जहाँ पे लोग वॉलंटियर बने और वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि महिला से कोई भी बदतमीजी ना करे, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को कर दिया। मैंने ऑफेंडर को पकड़ने के लिए, उनको दबाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग कर दी। हम लोगों को जीपीएस सिस्टम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करके आप जागरूकता फैला सकते हैं। जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे सीसीटीवी कैमराज को फिक्स करना चाहिए। मोबाइल ऐसी एप्लीकेशन लाइए आप जहाँ पे कोई पैनिक बटन हो
जिसके तहत अगर ऐसी कोई समस्या में कोई भी महिला फंसे तो वो बटन दबाए और उसके जो भी जानकार हैं या फिर शायद पुलिस भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इनके पास मैसेज तुरंत पहुंच जाए और ये तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई एक्शन ले पाएँ। जो ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन कौन सा है? जो अभी एडलेसेंट गर्ल्स हैं या फिर जो महिलाएं अकेले रह रही हैं किसी वजह से, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक ऐसा कल्चर डेवलप कराना चाहिए जहाँ पे महिलाओं को आदर सम्मान से देखा जाए, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। और ये कैसे हो सकता है? जब आप शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके अलावा जो आपके लॉ इम्प्लीमेंटेशन गड़बड़ चल रहे हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारे देश में बहुत सारे लॉज तो हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता, जिसके तहत हम लोग महिलाओं के प्रोटेक्शन में पीछे रह जाते हैं। आपको नई नई टेक्निक लानी चाहिए जिसके तहत अगर कोई भी ऐसी घटना आपके घर में घट रही हो तो आप अपने पड़ोसियों को बता पाएँ और वो आपकी मदद के लिए दौड़ के आ पाएँ। स्कूल के हमको ऐसे प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसके तहत छोटे बच्चों में ये भावना डेवलप कराई जा सके कि महिलाओं को हमको बराबर का दर्जा देना चाहिए, उनके प्रति किसी भी तरीके का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। तो आप शुरू से ही अगर ये फीलिंग उनमें नर्चर करवाएंगे तो जब ये आगे जाके युवा पीढ़ी बनेगी तब उनके दिमाग में वही चीज़ बसी होगी और उनकी शिक्षा उनके लिए लाभदायक साबित होगी। ये हमने वहाँ पे बता दिया जहाँ पे ज़्यादातर हाई इनकम ग्रुप जाता है। फिर उसके बाद मैंने लो इनकम सेटिंग्स अलग लिया है। ऐसे इलाके जहाँ पे इनकम कम है, जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? हमको वहाँ पे नुक्कड़ नाटक या फिर ऐसे कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसके तहत आप जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर पाएँ और लोगों को सेंसिटाइज कर पाएँ कि समाज में महिला भी बराबर का अधिकार रखती है और हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उसकी रक्षा की जाए अगर वो ऐसी किसी आपदा में फंसे। तो इस तरीके से आपने मेजर सारे बताए। इस वीडियो में दोस्तों मैं यहीं तक के सवाल रखूंगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद की केस स्टडीज़ पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। आप मेरे साथ इतनी देर बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हेलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर का डिस्कशन और इसी के तहत वर्ष 2014 के GS4 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका एक पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया जहाँ पे शुरुआत के 8 सवाल हमने आपको पढ़ाए। ये जो 8 सवाल थे दोस्तों, ये सब के सब थे थ्योरी के बेस पे। यहाँ पे आपके थ्योरिटिकल नॉलेज की जाँच होती थी। अब जो आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें हम लोग बाद के 6 सवाल पे जोर देंगे। ये जो 6 सवाल हैं ये आपके हैं केस स्टडी से रिलेटेड, यानी आपको एक कोई सिचुएशन दी होगी, इस परिस्थिति के अनुसार आपसे कुछ सवाल पूछे होंगे, आपको इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए इन सवालों का जवाब देना है। और उसके अलावा ये जो PDF है पूरी, ये हम अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नामक टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। ये चैनल एकदम फ्री है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है इसको ज्वाइन करें और हम जो भी वहाँ पे इनिशिएटिव चला रहे हैं उसका एक हिस्सा बने। उसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें हम सिविल सर्विस और बहुत सारे अलग स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल देते हैं, गाइडेंस देते हैं। अगर इस बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करें, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने सेक्शन बी यानी कि खंड 2 जिसमें हम लोग केस स्टडीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग 9वें सवाल से। ये जो सवाल है, पढ़ने से पहले इसका एक बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है। एक तो हो रही है डेवलपमेंट की बात यानी कि विकास की बात, और दूसरी जो है बात हो रही है आपके एनवायरनमेंट की यानी पर्यावरण की। कह रहा है कि आजकल जो है पूरा विश्व फोकस कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, हर जगह में आर्थिक विकास यही मुद्दा चल रहा है, लेकिन इसी के साथ एक समस्या आ रही है कि हम लोग पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे, उसका संरक्षण अच्छे से नहीं कर पा रहे। और आम तौर पे देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से विवाद में हमेशा रहते हैं। भाई, आज की जो ज़रूरतें हैं उनको देखते हुए हम लोग विकास के कार्य को नहीं रुकवा सकते, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। तो आपको कुछ ऐसी साध्य रणनीतियाँ बतानी है जिसके तहत आप दोनों के बीच में इस विवाद को शांत कर पाएँ और आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास की तरफ आगे बढ़ पाएँ।
ये है आपकी कंप्लीट केस स्टडी। तो इसमें आपको पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि पर्यावरण के संरक्षण की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा फिर आप कुछ ये बताएं कि किस तरीके से आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट अपने में इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जहाँ भी कोई नया प्रोजेक्ट लगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, जिससे कि वहाँ के पर्यावरण के और वहाँ के सामाजिक इम्पैक्ट का हम लोग असेसमेंट कर पाएँ और उसी अनुसार वहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट को प्रोसीड करें। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए। लोगों को आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे अपने विकास वाले प्रोजेक्ट में, तो उतना लोगों में ओनरशिप आएगी, उनको लगेगा भाई ये प्रोजेक्ट मेरा है, मेरे लिए चलाया जा रहा है, तो वो और बढ़िया तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन आजकल देखा क्या जा रहा है कि जो भी विकास वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी रह रही होती है या फिर जो वहाँ पे जनजातियाँ रह रही होती है, उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं। इनफैक्ट ये लोग कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से चली जाएं और उनकी ज़मीन, उनके सभी राइट्स, अधिकार सब हड़प लिए जाएं। इस तरीके का डेवलपमेंट सही नहीं है। आपको एक समावेशी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए और उसके तहत लोकल्स को आपको यहाँ पे हिस्सा देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस सब चीज़ों को आप यहाँ पे एड्रेस करेंगे। अब हम इसका देखिए आंसर देखते हैं। पहले तो बताया कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स कैसे एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हैं। तो मैंने कहा भाई ये दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत क्लोज रिलेटेड हैं, और एक और बात है ये दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं। अगर आप एक चीज़ पे विकास पे ध्यान देंगे तो दूसरे पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना दूसरा जो है वो डाउन जाएगा। जैसे ही आपकी जो आर्थिक वैल्यू है उसको मजबूती मिलती है, तो उस समय आपका जो पर्यावरण है वो नीचे चला जाता है, उसमें गिरावट आती है। तो आपको अगर एक इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट, अगर आपको इसको आगे लेके जाना है तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए, तभी दोनों एक साथ होके चलें। या फिर आप अगर सिर्फ एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगे तो आपके देश में विकास नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जाए, जिसके लिए हम आगे जाके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच कर पाएँ। अगर आप समावेशी विकास पे फोकस कर रहे हैं, समावेशी समृद्धि आपको चाहिए अपने देश के लिए, तो ज़रूरी है आप पर्यावरण को भी अपने साथ लेके चलें। और अंत में मैंने लिखा है कि भाई अगर आपकी ये धरती ही नहीं बचेगी, अगर यहाँ पे पर्यावरण ही नहीं होगा, तो आप विकास कहाँ पे करेंगे, आप किसके लिए विकास कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बात की है कुछ स्ट्रैटेजीज की, जिसके तहत हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि आप फोकस कर पाएंगे एक धारणीय विकास के ऊपर अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें। सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है पल्यूटर शैल पे प्रिंसिपल, यानी जिसने प्रदूषण फैलाया है उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर मेरी यहाँ पे इंडस्ट्री है और मैं यहाँ से इंडस्ट्री का अपना वेस्ट जो है कहीं नदी में डिस्पोज कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं हूँ जिम्मेदार इस प्रदूषण का, तो यहाँ पे मुझे ही कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसके तहत नदी को साफ कराया जा सके। मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने पड़ेंगे, लेकिन जिसने प्रदूषण फैलाया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज़ को साफ भी करे। समझ लीजिए अगर मेरे को एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है और उसके लिए मेरे को पूरा जंगल काटना पड़ रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने वहाँ पे सभी पेड़ काटे हैं, तो मुझे पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको कहीं और ज़मीन लेके वहाँ पे पेड़ लगाने पड़ेंगे, और आपको इनफैक्ट ये करना चाहिए अगर आपने एक पेड़ काटा है तो आपको 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इससे क्या एनवायरनमेंट की भी आप सुरक्षा करते रहेंगे और आप अपने विकास की तरफ भी ध्यान देते रहेंगे। उसके अलावा जो आपके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उसको ज़रूरी है आप प्लानिंग में अपनी जोड़ें। जो आप अपने देश के विकास की प्लानिंग बनाते हैं उसी में एक हिस्सा होना चाहिए एनवायरमेंट का भी। उसमें आप ये बताएं कि किस तरीके से इस विकास से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर हमें पहुंचता दिख रहा हो तो हम ये स्टेप्स लेंगे जिसके तहत हमारे पर्यावरण को संरक्षण दिया जा सके। उसके अलावा अगर पर्यावरण खराब होगा, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा, तो क्या होगा, जो आपदाएं आती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो लगातार आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन शिफ्ट करती जाएंगी। देश के ऊपर होगा फाइनेंशियल बर्डन, आपदाओं से कई लोगों की जाने जाएंगी, तो देश का ह्यूमन रिसोर्स ख़त्म होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का ख़राब होगा। तो उसके लिए आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में जो आप प्लानिंग करें उसमें एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी रखें। लोगों में जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है, और आपके पास आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट्स में, यानी विद्यार्थियों में अगर आप जागरूकता पैदा करेंगे
और आप उनको एक जरिया बनाएंगे जिससे बाकी लोगों को जागरूक बनाया जा सके, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट करेगा सोसाइटी में और ज़्यादा लोग प्रोत्साहित होंगे पर्यावरण के संरक्षण की तरफ। फिर उसके बाद आपको वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज निकालनी चाहिए। बहुत पानी की खपत होती है जब हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक लगानी चाहिए। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग हमने पहले पढ़ा था, जहाँ पे बादल का पानी हमारी छत पे इकट्ठा हो सकता है, यहाँ से एक पाइप निकाल देते हैं और ज़मीन के नीचे बनी एक टंकी में हम ये पानी डाइवर्ट कर देते हैं। तो इससे होता यह है, ये जो पानी बारिश से आया आपने कलेक्ट कर लिया और फिर इसको इस्तेमाल करें। पेपर की रिसाइकिलिंग करें, ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर पेपर की हम रिसाइकिलिंग करेंगे तो पेपर बनता है पेड़ों से, तो पेड़ कटना कम होंगे और इससे एक व्यवहारिक बदलाव आएगा। बच्चों में ये पर्यावरण के संरक्षण के प्रति एक जागरूकता जागेगी, जिससे वो आगे चल के अपनी नीतियों में, अपने कर्मों में इस तरीके की चीज़ें लाएंगे जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण करा जा सके। फिर उसके बाद आपको 3R प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करना है। आपको रिड्यूस करना है जो भी आप खपत कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। आपने एक बार यूज़ कर लिया, फिर जनरली हम फेंक देते हैं, वो नहीं, आप बार बार रीयूज़ करिए जब तक कि वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव ना हो जाए, तब तक रीयूज़ करिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं एक्सट्रैक्ट करनी पड़े और जो भी चीज़ रिसाइकिल हो पाए उसको रिसाइकिल करें। ये 3 R अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। आपको रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज पे जोर देने की ज़रूरत है। आज क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोयला जला के। तो अगर आप कोयला जला के एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं तो इससे ये होगा ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा निकलेंगी और आपके पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, आपकी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से होगा, बर्फ़ पिघलेगी। तो इसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, तो क्यों ना इसको छोड़ के हम लोग सोलर एनर्जी पे फोकस करें, हम लोग विंड एनर्जी पे फोकस करें। उसके अलावा जहाँ भी आपको कोई विकास का प्रोजेक्ट स्थापित करना हो तो वहाँ पे ज़रूर आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करें, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करें। होता क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से आप उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ को असेस करते हैं। तो इसके नाम में ही इसकी पूरी डेफिनेशन है। एक बार आप असेस कर लेंगे तो और आपको लगेगा कि ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है, तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ने दें। जहाँ पे हमको लगता है नहीं भाई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसकी हम भरपाई कर पाएंगे, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आप चलने दें। ऐसे ही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कि भाई वहाँ की सोशल लाइफ पे, जो वहाँ पे जनजातियाँ रह रही हैं, जो उनका संस्कृति है, उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये विकास वाला प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लगाएं, तो उसका असेसमेंट आपका होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। उस चीज़ को भी ध्यान रख में रखना बहुत ज़रूरी है। हमको कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स अपने लिए एस्टैब्लिश करने चाहिए जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स को हो रहे लाभ के बारे में बताएं, जैसे कि ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर आप इसके ऊपर अपने आप को नापेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी कितनी प्रतिशत जनता जो है आपसे खुश है, आपके विकासशील प्रोजेक्ट से खुश है। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भूटान का है, और आप ये बात ध्यान रखें, लोग खुश नहीं रह पाएंगे अगर उनके आसपास का पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, तो इससे होगा ये आप पर्यावरण पे भी ध्यान दे पाएंगे। जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कम करने की बहुत ज़रूरत है। इससे हो ये रहा है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लोग मटेरियल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं। हमने कई बार बात की है मटेरियलिज्म कैसे आज बढ़ रहा है और उससे क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मटेरियलिज्म बढ़ रहा है इसलिए हर आदमी को हर एक चीज़ चाहिए, मटेरियल की बहुत होड़ है और उसके चलते रिसोर्सेज बहुत जल्दी से एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, और रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं उनका जो रिन्यूएशन रेट है, यानी जिस रेट से वो वापस पैदा होती हैं, वो बहुत कम है। तो इसीलिए हो क्या रहा है, रिसोर्सेज हो रही हैं डिप्लीट, और एक समय अगर रिसोर्सेज सारी डिप्लीट हो गई, पानी ख़त्म हो गया आपका, खाना ख़त्म हो गया, तो फिर मानवता एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे हमको ज़रूरत है टेक्नोलॉजी और रिसोर्स में कोऑपरेट करने की। हम कोई ऐसे साथ बैठ के प्लान या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाएं जिसके तहत हम सब कोऑपरेट कर पाएँ, तो वो बेहतर होगा कि सभी पूरा विश्व एक साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। और उसके बाद आपको ऐसी एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो स्ट्रैटेजिक हों, जो आपके विकास को भी साथ में लेके चले लेकिन एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चले। क्योंकि अगर आप ये दोनों ही फंडे साथ में लेके चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा। डेवलपमेंट आज हमारे विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन पर्यावरण उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक चीज़ आगे निकल गई तो दूसरी पीछे छूट जाएगी। ज़रूरी है कि आप दोनों पे ध्यान दें और दोनों को साथ में लेके चले, तभी देश का भला हो पाएगा।
अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल कह ये रहा है कि भाई आपका एक दोस्त है और आप हैं, ये जो दोस्त है आपका ये भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है सिविल सेवा में इसका सिलेक्शन हो जाए। एक दिन ये आपके पास आता है और कुछ मुद्दे पे चर्चा करता है। इसके जो मुद्दों का केंद्र है वो है नैतिक आचरण, यानी कि ये आपसे नैतिक आचरण के बारे में चर्चा करता है और ये आपके सामने कुछ मुद्दे उठाता है। ये चार मुद्दे यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके सामने उठाता है। आपको इस पे अपने दृष्टिकोण को प्रकट करना है और वो भी समालोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी कि अगर मैं बताऊँ तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे करना है। भाई जो पहला पॉइंट है वो उठा रहा है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा अनैतिक वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। नैतिक सिद्धांत से अगर आप चिपके रहेंगे, अपने उन्हीं प्रिंसिपल्स पे अगर आप अड़े रहेंगे, तो आपको व्यक्तिगत तौर पे और आपके करियर में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आपके परिवार के सदस्यों को भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और इस सब के बाद भी आप अपने जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। तो वो कह रहा है हम क्यों ना व्यवहारिक बने और न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते का अनुसरण करें और जितना अच्छा हम कर सकें उसे करें और उसे करके हम प्रसन्न रहें। तो इस बारे में आपको अपनी राय प्रकट करनी है और क्रिटिकल एनालिसिस करना है, मतलब इसके प्लस और माइनस दोनों पे बताना है कि भाई अगर हम बिल्कुल रेजिस्टेंस का तरीका नहीं अपनाएं, जो थोड़ा बहुत हम अच्छा कर सकते हैं वो हम करें और खुश रहें, इसके पॉजिटिव क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या हैं। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है जब इतने सारे इतने अधिक लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्या फर्क पड़ेगा यदि केवल कुछ एक लोग नैतिक रास्तों को अपनाएं। मतलब आप तो भाई माइनॉरिटी में हो जाएंगे जब मेजॉरिटी आपके सामने गलत रास्ते अपना रही है, तो ये इतनी सी माइनॉरिटी क्या कर लेगी, वो तो अप्रभावी रहेगी। निश्चित रूप से अल्टीमेटली होगा क्या, आप निराश हो जाएंगे। ये है उसका दूसरा कथन, आपको इसमें अपने प्लस और माइनस दोनों विचार व्यक्त करने हैं। तीसरा पॉइंट वो कहता है कि भाई अगर आप लोग अपने नैतिक सिद्धांतों, नैतिक सोच विचारों के बारे में इतना ज़्यादा बतंगड़ बनाएंगे तो भाई इससे देश की आर्थिक तरक्की में रुकावट आ जाएगी और आज जब हम इस विकास की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो सबको चाहिए उच्च प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ के वो सबसे आगे निकल जाएं। तो ये है तीसरी बात कि क्यों हम लोग फिर नैतिक सोच विचारों को अपनाएं, क्यों उनको फॉलो करें, क्यों ना हम कुछ ऐसे अनैतिक विचारों पर चलें जिससे देश का विकास हो, देश की आर्थिक विकास में किसी तरीके की रुकावट ना आए। और चौथी बात उसमें वो ये कह रहा है कि ये तो समझ आता है कि आप कोई बहुत बड़े बड़े अनैतिक तौर तरीकों में नहीं फंस रहे, लेकिन अगर छोटे मोटे गिफ्ट आप इधर से उधर कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो बल्कि आपका मोटिवेशन बढ़ाता है, आपको इस तरीके की अगर चीज़ें करेंगे तो फिर आपके जो तंत्र है वो और ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। तो भाई ये बताओ ऐसे तौर तरीकों को अपनाने में गलत क्या है। तो बेसिकली उसने चार आपके सामने सवाल रखे हैं और इस चार सवाल पे आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। दोस्तों ये सवाल में से एक दो और ये तीन भाग एज इट इज पुराने पेपरों में हमने डिस्कस किए हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ आपको पुराने पेपर आप ज़रूर देखें, कई सारे सवाल आपको एज इट इज आने वाले पेपरों में मिलेंगे, तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। ये हमने इसको इंग्लिश में भी आपके लिए लिख रखा है, आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं आराम से। सबसे पहले तो जो दोस्त ने मेरे आर्ग्यूमेंट दिए हैं मैं उसके लिए क्या क्या बोल सकता हूँ, किस तरीके से उसे काउंटर कर सकता हूँ, मैं ये बताता हूँ। भाई पहली बात जो उसने कही थी कि क्यों हम नैतिक आचरण पे बने रहें, क्यों उन पे डटे रहें, हमारे परिवार को नुकसान हो सकता है, हमारी जान को नुकसान हो सकता है, तो क्यों नहीं हम अनैतिक आचरण ही अपना लें। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा उसको कि भाई सिविल सर्विसेज जब आपने ज्वाइन किया है तो आपने उसका मतलब समझा है, सिविल सर्विसेज यानी कि जनता की सर्विस के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं और जनता की सही तरीके से आप तब सर्विस कर पाएंगे जब आप अपने नैतिक आचरण का पालन करेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था सिविल सर्विसेज में आने से पहले कि हमारा जीवन बड़ा आरामदायक होगा। भाई हमने सोचा था कि हम लोगों को कोई बदलाव लाना है और बदलाव लाने के लिए हम इस सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको ये पता था कि भाई समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हमने ये तब भी ठान रखा था कि हम एथिकल प्रिंसिपल पे ही चलेंगे। अब भी हम लोग यही ठान के चलेंगे कि हम अपने एथिकल प्रिंसिपल पे कायम रहेंगे। आप तभी कुछ बदलाव ला पाएंगे जब आप कुछ अलग करेंगे। मान लिया कि आप अनैतिक आचरण फॉलो करने लगे, मान लिया आप दूसरे तरीके अपना ले लगे, इससे हो सकता है आपका करियर बहुत बढ़िया बन जाए, आपको एक सुरक्षित शांत जीवन मिल जाए, लेकिन ये आपकी ड्यूटीज से आपको अलग कर देगा, आपके कमिटमेंट से अलग कर देगा, तो
तो यहां पे आप क्या गवा बैठेंगे? आप अपने डियोन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को गवा बैठेंगे। यहां पे आप क्या गवा बैठेंगे? आप अपनी इंटीग्रिटी को गवा बैठेंगे। यहां पे एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, जिसके तहत जनता आप पे ट्रस्ट करना कम कर देगी। क्यों? क्योंकि जनता को मालूम है आप उनके हित में फैसले नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने में लगे हुए हैं। लोक सेवा का बेसिक मतलब है कि आप अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण दिखा पाएं। अगर आप ये दिखा पा रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी पे सही काम कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन सभी प्रिंसिपल्स को भंग कर रहे हैं, आप एथिक्स के अनुसार नहीं चल रहे। अगर कोई भी गलत चीज़ बहुत सारे लोग कर रहे हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही हो जाएगी। अगर इस बड़े गोले के सब लोग गलत चीज़ कर रहे हों और इस छोटे गोले के दो चार लोग सही चीज़ कर रहे हों, तो भी भाई सही यही रहेगी और गलत यही रहेगी। इसमें ये नहीं होगा कि ज़्यादा लोग कर रहे हैं इसलिए ये सही हो जाएगी, बल्कि अगर ये कुछ अच्छा अपने आचरण से लोगों की सेवा करें, जनहित करें, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप पे उभर के सामने आएंगे, लोगों के मॉडल बन जाएंगे, लोगों का भरोसा आपको मिलेगा, उनका विश्वास आपको मिलेगा, लोग आपके साथ खड़े होंगे, और फिर अगर लोग आपके साथ खड़े हैं तो आप इस मेजॉरिटी को भी टैकल कर पाएंगे। और शुरुआत हमें कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। एक पत्थर ही काफ़ी होता है आकाश में सुराख करने के लिए, बस आपको उछालना होता है वो तबीयत से। तो यानी कि अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप अकेले वहाँ पे खड़े हैं, अगर आप उस पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, अपने नैतिक सिद्धांतों के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो दोस्तों कितनी ही बड़ी मेजॉरिटी क्यों ना हो, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपके साथ जनता होगी, आपके साथ आपके नैतिक सिद्धांत होंगे, जिसके आधार पर आप बदलाव ला पाएंगे। और उसके अलावा अगर आप सही काम करते हैं तो आपको अंतरात्मा में सुख प्राप्त होता है। आपका जो अंतर्मन है वो गवाही देता है कि हाँ आपने सही काम किया है, और वो आपको खुद के ऊपर गर्व महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं, जैसे मदर टेरेसा, बाबा आमटे, जो अकेले खड़े रहे। यहाँ पे आप आज अन्ना हजारे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अन्ना हजारे ने कितने मूवमेंट्स किए जिसके तहत आज हमारे सामने लोकपाल बन के खड़ा है, इनफैक्ट अपॉइंट भी हो गया है। तो आप ये देखिए, ये लोग अकेले निकले थे, धीरे धीरे जनता जुड़ती चली गई और फिर इनके पास इतनी पावर आ गई, क्योंकि मास पावर से बड़ी कोई पावर नहीं है, इनके पास इतनी पावर आ गई कि ये आगे निकल गए, ये सक्सेसफुल हो गए। इनके सामने जो मेजोरिटी थी उसने घुटने टेक दिए। तो आप अगर खड़े हैं, डटे हैं, अड़े हैं, तो फिर आप ज़रूर अड़े रहिए, अपने नैतिक सिद्धांतों पर रहिए, आप निश्चित तौर पे जीत हासिल करेंगे। अब वो बात आती है कि भाई अगर हम नैतिक आधारों पे चलें तो फिर हमारे देश का विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास में रुकावट आ जाएगी। तो इससे पुरानी जो हमने केस स्टडी डिस्कस की उसको यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं कि भाई अगर आप अनैतिक तरीकों से अपने आर्थिक विकास की तरफ ध्यान देंगे तो आपका पर्यावरण मात खाएगा, और आपका अगर एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण नीचे चला गया, उसमें गिरावट आ गई, तो फिर एक दिन आएगा जब पूरी मानवता का अंत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पर्यावरण ही हमको सस्टेन करे हुए है। आप उसको खराब करते जाएंगे क्योंकि आप में एथिक्स नहीं है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स की, कि हमको एनवायरमेंटल एथिक्स पे बहुत जोर देने की ज़रूरत है। अगर आप में इस तरीके के एथिक्स नहीं है, आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो एक हद तक डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ये डेवलपमेंट आप पे ही भारी पड़ने लगेगा। और फिर छोटे मोटे गिफ्ट लेने से एफिशिएंसी बनती है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलती, हर एक चीज़ को, हर एक पाई को आपको कमाना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में मिली हो तो समझ लीजिए वो फेवर है, वो करप्शन की शुरुआत है, और शुरुआत ऐसे छोटे छोटे पहलुओं से ही होती है। तो आपको उस हर एक पहलू को दबाना है जो आप में कहीं ना कहीं करप्शन भर दे, जो आपके नैतिक सिद्धांतों के साथ विवाद में खड़ा हो जाए, और उससे इनफैक्ट आप ज़्यादा एफिशिएंट बनेंगे। अगर मैं कुछ करता हूँ और मेरी अंतरात्मा मेरे साथ है तो मैं 10 गुना बेहतर तरीके से वो चीज़ कर पाऊँगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप छोटे मोटे फेवर भी ना लें, आप खुद में एफिशिएंट हैं, आप अपनी अंतरात्मा को साथ लेके चलें, उसकी आवाज़ सुनें, आप जनहित के बारे में सोचें, और उससे आप सही काम कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा उस दोस्त को जो मेरे पास राय लेने आया है, कि भाई तुम अगर सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो तो हमेशा सही रास्ते पे ही चलो, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आएँ, चाहे कितनी ही दिक्कतें क्यों ना आए, लेकिन एक दिन वो सूरज ज़रूर निकलेगा और तुम्हारे सामने सभी चीज़ें अच्छे से प्रकाशमय होंगी, और वो उजाला जो फैला रहा होगा वो तुम होगे। तो इस तरीके से आप उसको मोटिवेट करेंगे कि आप एथिकल कंडक्ट ही बना के रखें। फिर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों,
तो ये वाला जो है ये है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। मैं एक बार आपके लिए इसका बैकग्राउंड तैयार कर देता हूँ। देखिए, आप एक ऑफिसर हैं जो कुछ भी अनाप शनाप ना सहने वाले ईमानदार अधिकारी हैं। आपको हाल फिलहाल में एक जगह ट्रांसफ़र किया गया है, आपका तबादला हुआ है किसी एक रिमोट विलेज में, जहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं। आपको वहाँ जाके पता पड़ता है कि जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है। एक तो है अदक्षता और दूसरी संवेदनहीनता। और आप जब इसका थोड़ा पता लगाते हैं तो आपको ये पता पड़ता है कि भाई कर्मचारियों के ऐसे व्यवहार का कारण है उनकी अनुशासनहीनता, यानी कि वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। वो स्वयं तो कोई कार्य करते नहीं हैं और दूसरे अगर कोई कार्य करना चाहें तो उसमें भी गड़बड़ पैदा करते हैं। शुरू आपने किया कि एक चेतावनी आपने उनको दी कि भाई तुम अपनी हरकतें सुधार लो वरना हम तुम पे अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो फिर वो जो नेता है वहाँ पे, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया। तो भाई उनको भी आ गया गुस्सा, तो उन्होंने क्या किया, अपने बीच से एक महिला कर्मचारी को प्रोत्साहित किया और उसको बोला कि तुम इस व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि आपके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दे। यह मामला महिला आयोग में दर्ज हुआ। महिला आयोग ने आपसे तुरंत आपका स्पष्टीकरण मांगा। अब इस परिस्थिति को टैकल करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो जो आयोग ने आपसे स्पष्टीकरण मांगा है आप उसको स्पष्टीकरण दे दें, और जो आप अनुशासनिक कार्रवाई करने वाले थे उसमें थोड़ी नरमी बरतें। दूसरा है आप इस आयोग को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें, नेग्लेक्ट कर दें और अनुशासनिक कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। और तीसरी बात है आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताएं, उनको पूरी सिचुएशन से अवगत कराएं और फिर उनसे पूछें कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन है, आपको इन सभी ऑप्शंस का मूल्यांकन करना है और कारण बताना है कि इनमें से आपके हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा रहेगा। इसके अलावा भी आप कोई विकल्प सुझाएं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपने जैसे ही वहाँ पे पोस्ट ज्वाइन की, आपने देखा आपका डिसिप्लिन सही से, आपका डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा। आपने उन लोगों को चेतावनी दी, वो नहीं माने। आपने उन लोगों को शो कॉज नोटिस दिया। उन्होंने उनके ही बीच में से एक महिला को भड़काया कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करो आयोग के पास। महिला ने दर्ज कराया, आयोग ने आपसे उसके बारे में एक्सप्लेनेटरी एक्शंस मांगे हैं। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से आप कौन से परसू करेंगे, क्यों करेंगे ये बताइए। आपके हिसाब से कौन सा सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये बताइए। और इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो भी बताएं। ये आप इंग्लिश में यहाँ से देख सकते हैं, जो भारत में वुमेन हैरेसमेंट के लिए लॉज हैं यहाँ पे दिख रहा है कि लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत एडवांटेज उठा रहे हैं। तो जो तीन सिचुएशन आपको दी गई हैं, हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं और बताते हैं क्या प्लस क्या माइनस होंगे उसमें। अगर हम पहला ऑप्शन अपनाते हैं, जब हम आयोग को स्पष्टीकरण दे देंगे और जो हमारा अनुशासनिक कार्रवाई होगी उसमें थोड़ी नरमी बरतेंगे, समस्या उसमें एक हो जाएगी कि जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया है उन लोगों को और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा। और क्योंकि आप एक ईमानदार अफसर हैं, आप लाना चाहते हैं रिफॉर्म, लेकिन आप वो रिफॉर्म नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपके जो हुड़दंगी हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है और वो फिर और ज़्यादा हरकतें करेंगे। वो डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत नहीं आएंगे, ना ही वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। और ये धारणा बन जाएगी कि भाई अगर अगली बार से कुछ ऐसा हो तो इस तरीके से किसी भी लॉ का मिसयूज करके किसी भी अधिकारी को फंसाया जा सकता है और उससे जो आप चाहो वो करवाया जा सकता है। इससे जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं उनका जो मोराल डाउन होगा। अगर दूसरे ऑप्शन के अनुसार हम लोग कमीशन को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो ये एक गलत मैसेज भेजेगा, सरकारी एम्प्लॉयज़ को भी ये गलत मैसेज भेजेगा और जनता को भी ये गलत मैसेज भेजेगा। आप उस अथॉरिटी की बेइज्जती कर रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहा है आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो अथॉरिटी आपसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और इससे होगा क्या, ये अथॉरिटी की भी जो इज्जत है, जो सम्मान है, इसको मिलने वाला वो कम हो जाएगा और इसकी पावर के डाइल्यूशन की पता पड़ेगी। लोगों को दिखेगा भाई अथॉरिटी कुछ भी भेजती रहे आप उसको जवाब नहीं दो तो कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी और हो सकता है आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो जाए कि आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको और ज़्यादा हवा यहाँ से मिल जाए। अब आती है तीसरी बात, अगर आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में बताएंगे तो भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। सीनियर्स ने पहले ही आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है अपना, क्योंकि आपको ऐसी जगह पे पोस्टिंग दी गई है जो डिपार्टमेंट पूरी तरह इनएफिशिएंट है, जो हॉस्टाइल डिपार्टमेंट है।
और सीनियर्स को लगता है ऐसे मुद्दों को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर फिर भी आप सीनियर्स के पास जाते हैं किसी तरीके की राय मशवरा करने, तो इससे वो लोग आपसे निराश होंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए सीनियर्स ने आपकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिन्होंने भी हुड़दंग मचाया है तुम उनके खिलाफ थोड़ी नरमी बरतो, तो ये आपके अंतरात्मा और आपके नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ हो जाएगा। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो बढ़िया नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए कि भाई ये तो ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दें एटलीस्ट, और फिर आप बुलाएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जहां पे आप अपना मुद्दा सबके सामने रखें, और आप वुमेन कमीशन के साथ भी कोऑपरेट करें, आप उसकी इज्जत लोगों की नज़रों में गिरने ना दें। और साथ में जो आप एक्शन ले रहे हैं उन हुड़दंगियों के खिलाफ, वो आप एक्शन वैसे ही लेते रहें, एक समय बाद ये लोग जाके डरेंगे और झुकेंगे। फिर उसके बाद फोकस करेंगे हम लोग कैसे अपने डिपार्टमेंट को रिफॉर्म किया जाए। तो उसके लिए हम लोग इनिशिएट करेंगे कुछ रिफॉर्म और कोशिश करेंगे जो हमारे नीचे के लोग हैं जो अच्छे से काम करना चाहते हैं लेकिन बाहरी लोग उनके काम में दखल देते हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाएं, और हमारे नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एम्पावर करें। इसके अलावा हम ट्रेनिंग कोर्सेज भी देंगे एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हो सके और वो अच्छे से जो भी हम चेंजेस सुझाएं वो उनको अपना सकें। तो ये था आपका कोर्स ऑफ एक्शन। आपने तीनों ही ऑप्शंस को डिस्कस किया, फिर बताया कि आपकी नज़र में क्या सही है। कुछ कुछ तीनों ऑप्शन का सही है, वो सब ले लेते हैं हम लोग। और उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने यहाँ पे जोर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप एक बार खुल के सबके सामने आ जाएंगे तो मुद्दा सबके सामने आ जाएगा। अभी तक लोग सिर्फ सामने वाली पार्टी का पक्ष जानते हैं, आपका पक्ष भी उनके सामने आ जाएगा तो बेहतर तरीके से जजमेंट कर पाएंगे। और फिर आपने यहाँ पे जोर दिया है रिफॉर्म्स के ऊपर। अब देखते हैं अगला सवाल। तो एक बार हम इसका बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे है एक कंपनी है जो क्या करती है, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है। आप जो हैं आप इस कंपनी के सीईओ हैं। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके उपकरण हैं, वो हमारा सरकारी विभाग इस्तेमाल करता है। ये है सरकारी विभाग, तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके उपकरण को इस्तेमाल करता है। उसके बाद आपने अपने इक्विपमेंट बेचने के लिए एक बोली लगाई है, और बोली आपकी गुणता के माध्यम से और लागत के माध्यम से दोनों ही तरीकों से आपके प्रतिस्पर्धियों से काफ़ी बेहतर है। लेकिन समस्या ये है कि एक यहाँ पे अधिकारी बैठा है सरकारी डिपार्टमेंट में, जो आपसे भाई आपकी टेंडर को पास करने के लिए कुछ रिश्वत मांग रहा है, और वो भी काफ़ी मोटी रिश्वत आपसे वो मांग रहा है। अब इस ऑर्डर की प्राप्ति करना आपकी और आपकी कंपनी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑर्डर अगर आपको नहीं मिला तो ये होगा कि आपकी एक उत्पादन रेखा बिल्कुल बंद हो जाएगी। लेकिन आप मूल्य सचेत व्यक्ति हैं और आप इसी वजह से रिश्वत नहीं देना चाहते, पर अगर आपने रिश्वत नहीं दी तो ये आपके करियर पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। अब आपको इसमें दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट देने हैं। पहला तो आप दीजिए कि आपने रिश्वत दे दी और ऑर्डर भी आपने पास करा लिया, इसके लिए क्या वैलिड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, क्या प्लस माइनस हो सकते हैं। दूसरी बात, आपने रिश्वत नहीं दी और इससे आपने अपने ऑर्डर को भी रिस्क कर दिया। फिर आप बताएंगे इस धर्म संकट से बाहर निकलने का कोई और बेहतर रास्ता हो सकता है क्या, और यदि हाँ तो इस तीसरे रास्ते की अच्छाइयों की ओर पॉइंट आउट करते हुए आप इसकी रूपरेखा को प्रस्तुत कीजिए। यह है आपका मोटा मोटा इसका सार। अब इसी अनुसार आपको अपना क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। शुरुआत में हम लोगों ने बताया है कि हम लोग जो दुविधा फेस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशन में आप पहले ये ज़रूर बताएं कि क्या दुविधा फेस कर रहे हैं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सीईओ हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो मैं एक दुविधा फेस कर रहा हूँ। मुझे या तो चूज़ करना है कि मैं यहाँ पर रिश्वत दे दूँ और अपना टेंडर अप्रूव करा लूं, या फिर मुझे ये चूज करना है कि मैं रिश्वत ना दूं और टेंडर मेरे हाथ से निकल जाए। तो पहले ऑप्शन पकड़ते हैं, जब हम रिश्वत दे रहे हैं और टेंडर भी अप्रूव करा रहे हैं। इस ऑप्शन को आप किस बिना पे डिफेंड कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप कुछ स्पेशलाइज्ड उपकरण बनाते हैं, यानी कि आपका जो मार्केट है वो छोटा है, आपका मार्केट लिमिटेड है, और लिमिटेड मार्केट में अगर आप ऐसा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे तो एक बहुत भारी आपको नुकसान होगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत रिश्वत दे देते हैं तो, और आपके उपकरण किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर जनता का हित हो, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि आपने अगर यहाँ पे रिश्वत दी, अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को गिराया, लेकिन उससे पब्लिक गुड जो हुआ वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ।
तो अगर एक आपकी बुराई किसी के लिए फायदे का काम कर रही है तो फिर वो आप कर लें, और साथ में ये आपके खुद के करियर के लिए बेनिफिशियल होगी और आपको एक्सपैंड करने में मदद करेगी। जब आप अपनी कंपनी एक्सपैंड करेंगे तो उसमें ज़्यादा रोज़गार आप जनरेट करेंगे। ज़्यादा रोज़गार मतलब ज़्यादा लोग हमारे देश के आपकी कंपनी में जॉब करेंगे, तो हमारे देश का भी इसमें हित होगा। तो आप यहाँ तो ब्राइब दे रहे हैं, लेकिन आपने आफ्टर इफेक्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं। और अगर कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है पूरा प्रोसेस ही ओपेक है, उसमें कहीं भी पारदर्शिता नहीं है, तो वैसे ही कहीं अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है, आपकी कहीं जवाबदेही नहीं है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने ब्राइब नहीं दिया और अपना टेंडर रिजेक्ट करवा दिया, तो हो सकता है कोई आपसे ख़राब क्वालिटी के वहाँ पे प्रोडक्ट चले जाएं। जनता को इस बात की जागरूकता है नहीं कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं कौन से खराब हैं, तो खराब प्रोडक्ट चले गए तो फिर जो वर्किंग है पूरी इनएफिशियंट हो जाएगी। तो इसके तहत आप ये कह सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रिश्वत दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये बोले कि नहीं, हमको रिश्वत नहीं देनी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई अगर आप रिश्वत देंगे तो आप करप्शन को बढ़ावा देंगे। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि जो अल्टीमेट बर्डन है वो लोगों के ऊपर ही होगा। मेरे नैतिक सिद्धांतों के अनुसार मुझे करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। अगर आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ का पता पड़ा तो मेरी कंपनी का भी नाम खराब होगा और मेरा भी नाम खराब होगा, और इससे आने वाले समय में मेरा फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा। सरकार सभी लोगों को ये अधिकार देती है कि सबको बराबरी की नज़र से देखा जाए। अब उसमें आप किसी एक से रिश्वत लेके उसको प्रमोट कर देते हैं तो बाकी के चांस हैम्पर होते हैं। तो इसीलिए हम बाकी लोगों के चांस हैम्पर नहीं करेंगे, सभी लोगों को इक्वल राइट होना चाहिए। और हम लोग अगर रिश्वत नहीं देंगे तो वो राइट को हम प्रमोट करेंगे, कॉमन गुड को प्रमोट करेंगे हम, जो अगर आप रिश्वत देते हैं तो इरोड हो जाएगा और आपकी अंतरात्मा इस बात की भी गवाही नहीं दे पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना वो चाहिए जो आपकी अंतरात्मा कहे और जो आपको लगता है नैतिक आधार पर सही है। आपके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, आप वहाँ पे जाएं, ये पूरा मुद्दा उठाएं। आप यहाँ पे मीडिया को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन जरियों से आप अगर मुद्दा उठाएंगे तो जो ऑफिसर है उसको हटा दिया जाएगा, और हो सकता है वहाँ पे कोई ऑनेस्ट ऑफिसर आए और वो सब लोगों को बराबरी से देखे और फिर आपकी जो टेंडर है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आप इस वाले सिचुएशन से निपटेंगे। इसके अलावा देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनी अपनानी पड़ेगी। करप्शन के लिए हमारे मन में कोई भी टॉलरेंस नहीं है, हम करप्शन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। आप तो भाई अपना जो भी प्राइस है और जो क्वालिटी है उसका एक जगह लिख के सबमिट कर दें, फिर आगे देखते हैं ऑफिसर क्या डिसीजन लेता है। अगर वो किसी और कंपनी के फेवर में डिसाइड कर लेता है तो आप आरटीआई फाइल करिए। आरटीआई के बेसिस पे आपको पता पड़ेगा कि ये डिसीजन जो लिया गया है ये क्यों लिया गया है, इसके पीछे बेसिस क्या है। आपकी तो प्राइस भी कम थी, क्वालिटी भी कम थी, तो क्यों नहीं आपको दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट। और एक बार आरटीआई का जवाब आ गए तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं, जिससे होगा क्या, जो डिसीजन लिया गया है ऊपर वाली अथॉरिटी के द्वारा उस पर स्टे लग जाएगा। अगर फिर भी इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो हम लोग मीडिया को इन्वॉल्व करेंगे और अपने आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे शेयर करेंगे, जिससे हमारी जनता देख पाए कि कितने करप्शन प्रिवेल कर रहा है। हालांकि इस सब में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय लगेगा पर मेरे एथिकल प्रिंसिपल सेव रहेंगे, मेरे नैतिक सिद्धांत जिस चीज़ की गवाही नहीं दे रहे मैं वो नहीं करूँगा। मैं सीधे रास्ते से जाऊँगा और कोशिश करूँगा सीधे रास्ते से जाके ये टेंडर मेरा हो सके। तो ये आपने तरीका बताया, पूरी तरह आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहते हैं और उससे क्या होगा। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल डील करता है एक व्यक्ति से, रामेश्वर, जो कि गौरवशाली सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके सिविल सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए एक लोक सेवक बन गया। उसने अभी सेवा को कार्य ग्रहण किया ही था, लेकिन उस समय उसको ये महसूस होने लगा कि वहाँ पे जितनी उसने कल्पना की थी उतनी स्थिति सुंदर नहीं है। उसके खुद के विभाग में ना जाने कितने अनाचार हैं। विभिन्न योजनाओं के लिए जो पैसा आ रहा है उसको इधर उधर करा जा रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है। जो सरकार आपको सुविधाएं देती हैं उसको लोग अपने खुद के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय बाद उसने ये भी देखा कि भाई जो स्टाफ की भर्ती के लिए प्रक्रिया होती है वो भी दोषपूर्ण है। जहाँ पे उम्मीदवार परीक्षा लिख रहे हैं वहाँ पे नकलबाजी चल रही है। कुछ उम्मीदवारों को तो बाहर से अलग से सहायता भी प्रदान की जा रही है। तो रामेश्वर ने ऐसी घटनाओं को अपने वरिष्ठ जो अफसर हैं उनके सामने लाया। तो उसके अधिकारियों ने उससे बोला, भाई तुम अपनी आँख नाक और कान और मुंह सब बंद रखो, क्योंकि ये जो सब चल रहा है ये आपके वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से ही चल रहा है।
यहां पे रामेश्वर का भ्रम टूट गया और वो बहुत व्याकुल हो गया। तो वो आपके पास आ गया सलाह लेने कि भाई मैं क्या करूं, मैंने जो चीज़ की कल्पना की थी यहाँ तो बिल्कुल उसका उल्टा है। पूरी जगह अनाचार चल रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और अंत में जब मैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी मुझे नहीं उठाने दी जा रही। तो मैं क्या करूँगा? आपको उसको विभिन्न विकल्प सुझाने हैं कि ऐसी परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए। फिर जो आपने विकल्प सुझाए हैं उनका मूल्यांकन करिए और बताइए सबसे बढ़िया सबसे उचित रास्ता कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया हो क्या रहा है। जो ऊपर सिचुएशन हो रही है उसमें दिख रहा है कि भैया करप्शन बहुत है, इनएफिशिएंसी बहुत है। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं रामेश्वर के पास? सबसे पहले तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि भाई तुम इग्नोर करो ये सब चीज़ें, या फिर जो ये हो रहा है तुम भी उसका हिस्सा बन जाओ, उससे कुछ एडवांटेज लो, या फिर तीसरी बात तुम ऐसा करो रिज़ाइन कर दो अपनी सरकारी जॉब से और एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो। दूसरी बात मैं कहूँगा तुम इग्नोर करो और अपने ऑब्जेक्टिव्स में लगे रहो, ये तुम्हारा एरिया नहीं है, जो तुम्हारा स्फीयर है तुम उसी में फोकस करो और बाकी ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करके तुम थोड़ी शक्ति ग्रहण करो। और एक बार तुमने सभी लोगों को अपने साथ मिला लिया तो फिर तुम वो बदलाव ला पाओगे जो तुम्हें लग रहा है। उसके अलावा तुम एक विसल ब्लोअर बन जाओ और जो तुम्हारे डिपार्टमेंट में ये सब मैल प्रैक्टिस चल रही हैं इसके खिलाफ मीडिया में और सरकार में एलिगेशन उठाओ। तो ये तीन ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है कौन सा ऑप्शन खराब है। अब सबसे पहले पहला ऑप्शन हम देखते हैं। भाई अगर पहला ऑप्शन हम कर देंगे तो इससे रामेश्वर खुद भी करप्ट हो जाएगा, इससे राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी खराब होगी, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो अपना पूरी जान से पढ़ाई करके एग्जाम दे रहे हैं, वहीं पे अगर कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा है या उसे बाहर से कोई सहायता प्राप्त हो रही है तो वो एक एडवांटेज पे रहेगा बाकी व्यक्तियों के, और बाकी लोगों को सही राइट नहीं मिल पाएगा, उसके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो ये अगेंस्ट है कॉमन गुड के और ये अगेंस्ट है सामाजिक न्याय के। और इससे होगा क्या, जो व्यक्ति चीटिंग से डिपार्टमेंट में आया है वो डिपार्टमेंट को और ज़्यादा खोखला कर देगा और ज़्यादा करप्शन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और रामेश्वर अगर पब्लिक जॉब छोड़ के कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करता है तो ये उसके सेल्फ इंटरेस्ट में भी ठीक नहीं है। रामेश्वर वहाँ पे आया था अपने देश की सेवा करने के लिए तो उसको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों का गुड नहीं देख पाएगा, वो तो प्राइवेट में अपना चुपचाप काम करेगा और पीछे ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। फिर दूसरा और तीसरा ऑप्शन परखते हैं। दूसरा तीसरा ऑप्शन उसको उसके ड्यूटीज से दूर कर देगा। दूसरे ऑप्शन में तो करप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपने किसी भी अपने जीवन के पॉइंट पे करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आप उसके खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। आपकी जो सत्यनिष्ठा होती है वो नॉन सिलेक्टिव है, उसमें ये नहीं कि मैं इस वाले एरिया में इंटीग्रिटी मेंटेन करके रहता हूँ और जैसे ये वाला स्फेयर आए मैं इंटीग्रिटी अपनी खो देता हूँ, ये नहीं चलता उसमें। आप अगर मेंटेन कर रहे हैं तो शुरू से आखिरी तक आपको पूरे टाइम उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि रामेश्वर अगर प्राइवेट सेक्टर में चले जाए तो उसको प्राइवेट सेक्टर में करप्शन ना मिले, वहाँ भी उतना ही करप्शन हो सकता है। अगर वो विसल ब्लोअर बन जाता है तो भी कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सब चीज़ों को रोक ले। तो भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा रामेश्वर को लीगल फॉर्म के तहत जाना चाहिए। जो सरकार ने एक मैकेनिज्म स्थापित किया है करप्शन से टैकल करने के लिए उसको उसी के तहत जाना चाहिए। तो इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, वो अपने डिपार्टमेंटल कमिटीज़ को कंप्लेन करे या फिर उसकी मिनिस्ट्री का जो भी सबसे ऊपर है जो भी उसका हेड है वो उसको कंप्लेन करे। अब तो ऐसी संस्था आपके पास आ गई जैसे कि लोकपाल या फिर CVC, इनमें से आप किसी पर कंप्लेन करें तो ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। और या फिर आप कर सकते हैं कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं उनको बोलिए कि आप RTI फाइल करिए, और RTI आप फाइल करेंगे तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबके सामने आ जाएगा, और उसी दौरान वो अपने भी तौर पे अपने लेवल पे सबूत इकट्ठा करें, और जब बाद में ज़रूरत पड़े तो इन सबूतों को दिखा के जो ऊपर RTI से पूरी चीज़ एक्सपोज हुई है उसको प्रूव कर पाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके तहत रामेश्वर इन चीज़ों को टैकल कर पाएगा। बात करते हैं हमारी आखिरी केस स्टडी की। दोस्तों जो ये वाली केस स्टडी है ये आपकी है इशू बेस्ड, और इसमें इशू है आपका माइग्रेशन। लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ, तो अब इस दौरान बहुत सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही हैं, और ना सिर्फ शहर को ग्रामीण इलाकों को भी एक साथ ही बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। और वास्तव में ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ये अप्रबंधनीय होती जा रही है, इसको मैनेज नहीं किया जा पा रहा। आपको इस समस्या का विस्तार से विश्लेषण करना है, आपको बताना है कि इस समस्या के जिम्मेदार ना केवल सामाजिक और आर्थिक बल्कि भावनात्मक और
अभिवृतिक कारण भी हैं और उन सबको आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपके सामने दो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि ऐसा क्यों है कि भाई शिक्षित ग्रामीण युवा जो है वो शहरी क्षेत्रों में शिफ्ट होता जा रहा है। दूसरा आपको बताना है कि भाई भूमिहीन निर्धन लोग क्यों नगर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जहाँ पे भी वो बस्तियों में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, जिसके तहत उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और देखा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुछ किसान भाई भी अपनी ज़मीन बेचकर शहरी इलाकों की तरफ चले जा रहे हैं और छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं वहां पे। आपको बताना है किस तरीके की स्टेप्स इस प्रकार की गंभीर समस्या को नियंत्रण में लाने में लाभदायक होंगी, प्रभावी होंगी। तो पूरा इशू घूम रहा है माइग्रेशन के चारों तरफ। तो अब देखते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल बैकग्राउंड लिख दिया है कि चल क्या रहा है। तो मैंने कहा चल ये रहा है कि भाई इन दिनों रूरल से अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्रामीण इलाकों से लोग शहरी इलाकों में जाके बस रहे हैं, और ये आपकी आज की सोसाइटी का चेहरा है, जिससे हो क्या रहा है बहुत सारी समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम लेते हैं पहला पॉइंट कि क्यों शिक्षित ग्रामीण युवा शहरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए ग्रामीण इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मेन है वो है एग्रीकल्चर। 50% हमारी भारत की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ ये 16% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। इसका मतलब एक तो इसमें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और दूसरी इसमें ग्रोथ भी काफ़ी कम है, तो इसीलिए भी लोग जा रहे हैं। उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत कम है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत कम है, तो इसी वजह से रोजगार भी वहाँ पे इतना नहीं है। तो अगर आदमी एग्रीकल्चर में ना जाके कुछ और करना चाहे तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी अलावा इसके बाद कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो कि सोशल एरियाज को टैकल करता है, यानी कि हॉस्पिटल्स नहीं है, रोड्स नहीं है, बिजली नहीं है, जो लैंड होल्डिंग हो रही है अगर व्यक्ति जाना चाहे तो वो भी इतनी फ्रैगमेंटेड है कि उसमें भी यील्ड बहुत कम हो गई है। एक लोगों के मन में विचारधारा भी पैदा हो गई है कि भाई जो भी शहर में रहता है वो अमीर हो जाता है, उसके पास अच्छे अवसर होते हैं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि जब लोग ज़्यादा शहरी इलाकों की तरफ चल निकलते हैं तो समस्याएं भी उतनी ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो प्रेविलेंट हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, क्योंकि वो एजुकेट हो गया है, वो शिक्षित है, उसको खराब प्रैक्टिसेस में डिफ्रेंशिएट करना आता है। तो वो ये जब देखता है वहाँ पे कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट है, जो महिलाएं हैं उनको बराबर का दर्जा नहीं मिलता, रेसिज्म होता है, तो इस सब चीज़ से वो निराश होके शहर की तरफ बढ़ने लगता है। उसके अलावा जो ग्रामीण जीवन शैली है वो अनहाइजीनिक है, पुअर है, वहाँ पे लोग अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते। आज भी कई गांवों में आपको मालूम है खुले में शौच करने की प्रैक्टिस लगातार जारी है, जबकि सरकार इतने टॉयलेट्स बना रही है। तो इन सब से भी एक शिक्षित युवा परेशान हो जाता है और वो शहर की तरफ बढ़ निकलता है। तो ये रीज़न है क्यों आज का एजुकेटेड रूरल यूथ जा रहा है शहरी इलाकों में। अब भाई जो लैंडलेस लोग हैं वो लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? सबसे पहले उनका ग्रामीण इलाकों में एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनके पास रोजगार के साधन बहुत कम हैं, जो साधन भी है वो उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते, इतनी अच्छी आय उनकी नहीं हो पाती, ग्रोथ रेट रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते वहाँ पे जो जॉब के संसाधन हैं वो और कम होते जा रहे हैं, कोई वहाँ पे एमएसएमई का डेवलपमेंट नहीं है, तो इससे ये हो रहा है कि इंडस्ट्री भी नहीं है जो हम वहाँ की फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले, एग्रीकल्चर में कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रहा, जिसके चलते उसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। तो लोगों को लगता है क्यों ना हम किसी और एरिया में जाएं, वहाँ पे नौकरी करें और इससे तो ज़्यादा ही हम कमा लेंगे। कास्ट और वहाँ के पेट्रियार्कल एटीट्यूड जो हैं वो लोगों को पुश करते हैं रूरल एरिया से बाहर आने में और किसी शहरी इलाके में जाने में। हालांकि जो स्लम्स हैं, अर्बन स्लम्स, उसमें वैसे जीवन का स्तर बहुत नीचा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कम से कम इक्वालिटी बनी रहेगी, कम से कम हम स्वतंत्र रहेंगे, जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे, और जो यहाँ पे सोशल प्रैक्टिसेस झेल रहे हैं वो सब नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो ये कास्ट की प्रैक्टिस होती है, ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो प्रीवेल करती है, ये सब प्रैक्टिसेस उनको मजबूर कर देती है अपने गांव से बाहर निकल के शहरी इलाकों की तरफ जाने में। भले ही वहाँ पे उन्हें बस्तियों में रहना पड़े, लेकिन वो कम से कम स्वतंत्र रहते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं बाहर निकलना ही ठीक है।
और आज तो ऐसा देखा जा रहा है कई किसान भी अपनी जमीन बेच के अर्बन इलाकों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे छोटी मोटी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। ऐसा है क्यों? सबसे पहले तो हमारे एग्रीकल्चर सेंसस ने बताया था, लगातार जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी होती जा रही है, यानी कि फ्रैगमेंट होती जा रही है। ये देखिए, अब जो जिस आदमी के पास एक समय ये पूरी ज़मीन थी, अब उसके पास सिर्फ इतना हिस्सा रह गया है, तो इतने ही हिस्से से वो यील्ड कितनी कम कर पाएगा? दूसरी बात, लोगों को ये लगता है अगर हम शहर में जाएंगे तो हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो आगे जाके हमारा और खुद का भविष्य संवार पाएगा। तो इसीलिए वो ज़मीन बेचते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और शहर में जाते हैं जहाँ पे हमारे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है रूरल एरियाज़ में, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, एग्रीकल्चर से कुछ खास इनकम भी नहीं हो रही उनको। तो इससे बढ़िया कोई बाहर जाके छोटी मोटी नौकरी करेंगे, कम से कम जितना पैसा यहाँ से आ रहा है उससे तो ज़्यादा ही पैसा आएगा। लोगों के मन में एक अलग तरीके का डर भी है कि भाई अगर हम कुछ समय के लिए अगर अपने एरिया से दूर चले गए तो हो सकता है कोई हमारी ज़मीन हड़प ले, लेकिन अगर हम लोग किसी शहरी इलाके में जाएंगे और वहाँ पे नौकरी करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बनी रहेगी, और आने वाले समय में हमारे पास वो जॉब तो बना ही है, हर महीने कुछ ना कुछ तनख्वाह भी आती रहेगी और हमारा गुजारा आराम से चलता रहेगा। एक बात ये भी है कि लोग आज जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाह रहे, लोग तोड़ के अर्बन फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनको ज़्यादा लोग अगर फैमिली में होते हैं तो ये लगता है ज़्यादा हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, तो उस बर्डन से बचने के लिए भी काफ़ी सारे लोग अपनी ज़मीन बेच बाच के जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ। तो इसी सब के चलते माइग्रेशन तो देखो दोस्तों बढ़ रहा है। तो हम क्या स्टेप्स सुझाएंगे जिससे ये माइग्रेशन कंट्रोल में आ सके? सबसे पहले तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगाइए। हाँ जी, स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये इसलिए क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है लेबर इंटेंसिव, इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये जो जॉब्स जनरेट करेंगी बहुत ज़्यादा मात्रा में जॉब जनरेट करेंगी। और एक बार अच्छी मात्रा में आपके जॉब जनरेट हो गई तो इन लोगों को जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है उसको ये इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर सकती है, लोगों का माइग्रेशन रोक सकती है। उसके बाद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे एस्टैब्लिश करें, स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ होती है वो वहाँ पे प्रोवाइड करें, जैसे कि वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, 24 घंटे कम से कम पानी बिजली तो होना ही चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ पे प्रचार करें, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसे और मिशन चलाएं। यहाँ पे आप रर्बन मिशन की भी बात कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, ये जो विलेज है वहाँ पे अर्बन जैसी एमिनिटीज़ बना रहा है, जो सब सुविधाएं आपको अर्बन एरिया में मिलती है वो आपको अब विलेज में भी मिलेगी। जो एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं हमको ज़रूरी है उसको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनाना, उसके तहत हम MSP का भी जिक्र कर सकते हैं, हम लोग और किसी स्कीम का जिक्र कर सकते हैं जैसे कि PM आशा जो पूरी प्रोक्योरमेंट के ऊपर है। इन स्कीम्स का जिक्र करके हम लोग इसको कंटेम्प्रेरी टॉपिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नीचा दिखाते हैं, अनटचेबिलिटी चल रही है, इन सबको ख़त्म करना ज़रूरी है। और लोगों को जागरूक बनाइए फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स के प्रति, जिससे वो फैमिली प्लानिंग कर सकें और जितना सस्टेन कर पाएँ उतने ही परिवार को वो सोच के आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप कुछ हद तक माइग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा, हमने सभी केस स्टडी डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ इन लेक्चर्स से आपकी हेल्प हो रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो रहे होंगे। आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारे वीडियोस देखते रहे, उनसे आप हेल्प लेते रहे, इन सब चीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।